अगर आप इस सीरीज़ की पहली वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नेक्स्ट 2.5 मिनट तक का जो एक मैंने पर्टिकुलर तरीका बताया किस तरीके से इस सीरीज़ से आप नोट्स बना सकते हो जिसमें आपको एग्ज़ाम के अंदर रिवाइज़ करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप प्लीज़ अगले 2.5 मिनट को ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस सीरीज़ की ये कोई भी वीडियो पहले देख चुके हो तो आप नेक्स्ट 2.5 मिनट्स को स्किप कर सकते हो अगर आपको नोट्स बनाने का तरीका पता चल चुका है। तो नहीं पता है तो प्लीज़ अगले 2.5 मिनट्स तक ज़रूर देखें, आपको आइडिया लगेगा कैसे आप जल्दी जल्दी इस पूरी की पूरी वीडियो से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। जब हम अपने टॉपिक्स डिस्कस कर रहे होंगे ना तो उनमें कुछ चीज़ें होंगी जो आपको दिखाई देंगे, जैसे कोई लोकेशन का नाम आएगा, सिटी या कंट्री का, फेस्टिवल का नाम आएगा, किसी स्ट्रेट, सी, ओशन, बे, रिवर, लेक का भी नाम आएगा, रिजर्व, पार्क, सेंचुरी, स्पीशीज़ के नाम आएंगे, ट्राइब्स के, स्पीशीज़ होती है ना आइडेंटिफाई हो रही होती हैं कि बहुत सारी ट्राइब्स होती हैं जो न्यूज़ में रहती हैंगी, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, बहुत सारे एक्ट होते हैं हमारे नेशनल लेवल के, एंड कुछ रैंडम चीज़ें आ रही होती हैंगी। आपको क्या करना होगा, आपको एक A4 शीट को लेना है, ठीक है। A4 शीट के अंदर कुछ इस तरीके से फोल्ड्स बनाइए, ये आपकी A4 शीट है लैंडस्केप मोड के अंदर, ठीक है। आप इसको जब इस बार तीन तरीके से दो बार फोल्ड करेंगे ना तो आपके पास एक साइड में चार कॉलम्स बन जाएंगे लंबे लंबे, ठीक है। इन कॉलम्स के ऊपर आप ऊपर टाइटल दे दीजिए, ठीक है। हमारे पास टोटल 8 सेक्शंस हैं, अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे ना हमारे पास टोटल 8 सेक्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब आप इस शीट को देखते हो तो आप इसकी शीट में एक साइड आपके 4 हैं, अदर साइड भी आपके पास 4 हैंगे, तो टोटल 8 सेक्शंस आप इस शीट के ऊपर नेमिंग कर सकते हो। अब जब हम लोग अपना जैसे हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे होंगे, आपको न्यूज़ में सुनते सुनते जैसे ही आपको किसी लोकेशन का नाम लगे आप लोकेशन वाले कॉलम में ऐड कर दीजिए, किसी सिटी का नाम है, किसी कंट्री का नाम है। सेम तरीके से कोई फेस्टिवल था जो न्यूज़ में था, कोई स्ट्रेट आया था, कोई ओशन का नाम, सी का नाम, किसी बे का, रिवर का या लेक का नाम आया था, उसी तरीके से कोई ट्राइब वगैरह एक्ट वगैरह हैं, एंड रैंडम में कोई भी ऐसी चीज़ जो इन ऊपर वाली किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करती हो। देखो एक बात का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, आपको सिर्फ और सिर्फ उसका नाम लिखना है, ठीक है। जैसे आर्टिकल 145 आ गया तो आर्टिकल 145 लिख दो, एक्सप्लेन नहीं करना है आपको, ये आपके शॉर्ट नोट्स बनेंगे आपको रिवीजन के तौर पर। जब आपका ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, पूरी की पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, तो 12 मंथ्स के लिए आपके पास ऐसी टोटल में मैक्स टू मैक्स 3 या 4 शीट्स ही होंगी फुल। 12 महीने के अंदर आपको 3 या 4 का इंडेक्स मिल जाएगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ें थी जो मेरी एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। इसमें से 3, 4, 5 क्वेश्चंस होंगे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में आपको घूम फिर के मिल ही जाएंगी, ठीक है। तो 3 या 4 शीट बनेंगी आपके टोटल 12 मंथ्स की। अभी जो अक्टूबर में जो एग्ज़ाम है उसके लिए तो शायद मैं अगस्त तक की तो कंप्लीट करवा ही दूंगा, सितंबर की आएगी नहीं तब तक एग्ज़ाम का, वैसे भी एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन 2021 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही क्रूशियल होगा, 2022 के लिए भी बहुत क्रूशियल होने वाला है। तो ये तरीका है आपको नोट्स बनाने का, एंड एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा इसके अंदर। ऑलराइट, पहला टॉपिक है हमारा, स्कॉटलैंड में एक लॉ प्रपोज़ किया गया है ताकि जो सैनिटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, सारे के सारे सैनिटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सभी के लिए मुफ्त कर दिया जाए। तो स्कॉटिश के पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया था, पीरियड प्रोडक्ट्स जो उनके फ्री प्रोविजन स्कॉटलैंड बिल के लिए। इनका एम है कि वुमेन जो है वो सब किसी भी एज ग्रुप की हों उनके लिए सैनिटरी प्रोडक्ट्स को फ्री कर दिया जाए। तो जब पास होगा, ठीक है ना, स्कॉटलैंड पहला कंट्री बन जाएगा वर्ल्ड का जो पीरियड पॉवर्टी को एंड करेगा। अभी पीरियड पॉवर्टी टर्म क्या है, पीरियड पॉवर्टी स्कॉटलैंड वेबसाइट ने मेंशन किए हैं कुछ सर्कमस्टांसेस, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन एक डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस होता है विमेन के लिए, महिलाओं के लिए, इसमें उन्हें होमलेसनेस होता है, कोवर्सी मतलब समथिंग विच इज़ डन फोर्सफुली, कुछ कंट्रोलिंग होता है, वॉयलेंट रिलेशनशिप्स भी होती हैं, हेल्थ कंडीशन होती हैं जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस एक मेंस्ट्रुअल इररेगुलरिटी होती है कि बेसिकली इसमें अ टिश्यू विच इज़ सपोज टू ग्रो इनसाइड द यूटरस इट स्टार्ट्स ग्रोइंग द आउटसाइड द यूटरस, जिसके कारण बहुत सारा पेन और अनकम्फर्ट फील होता है। तो सम ट्रांस पीपल मे ऑल्सो एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज इन एक्सेसिंग सैनिटरी प्रोडक्ट इट सेज। तो ये एक पीरियड पॉवर्टी नाम की चीज़ है जिसको उनकी वेबसाइट ने डिफाइन किया हुआ है, इसलिए वो लोग अभी ये जो सेक्शन है ना इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट पता है क्या बन जाता है, आप एक तो इस डेफिनेशन को समझ लो, मे बी इस डेफिनेशन के आसपास आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, मेंस में शायद ना पूछा जाए, लेकिन मेंस के अंदर विमेन का कोई भी टॉपिक होता है ना वहाँ पर आप ये एग्जांपल में देख सकते हो कि स्कॉटलैंड ने एक ऐसा लॉ पास किया है जहाँ पर वो फीमेल्स के लिए सैनिटरी प्रोडक्ट्स को फ्री करना चाहते हैं, तो वहाँ के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा आपके पास। WHO ने रेज किया है ग्लोबल रिस्क कोरोना वायरस का वेरी हाई स्टेटस के ऊपर। अब इसका मतलब क्या होता है, कुछ कैटेगरीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिस्क की रिगार्डिंग। अब 1, 2, 3, 4 कैटेगरीज होती हैं जहाँ पर रिस्क को उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। हाँ, WHO पैंडेमिक, कोरोना वायरस,
ये 2020 का और मेरे हिसाब से 21 का भी वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक्स में से एक होगा। तो आपको इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। एक पैंडमिक को कब डिक्लेयर किया जाता है, किस सिचुएशन को आप बोलते हो पैंडमिक, इसके ऊपर एक पूरा का पूरा मेंस का क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को इस तरीके से अप्रोच करना होगा एग्ज़ाम के अंदर। तो चार कैटेगरीज में एक होता है लो रिस्क, ठीक है, जहाँ पर आप अपने ही पर्टिकुलर एरिया के जो स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स कंट्रोल हो सकते हैं, जो वहाँ का रूटीन कंट्रोल प्रोग्राम होता है उसके तहत आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर आप रूटीन सर्वेलेंस सिस्टम को यूज़ करते हो और उस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो, उसको कहा जाएगा लो रिस्क। में जब हम बात करेंगे मॉडरेट रिस्क के बारे में, तो जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे इनको थोड़ा स्पेसिफाई करना पड़ेगा, यानी कि आपका जो रूटीन सिस्टम चल रहा था अब आप उसमें थोड़ा सा रोल स्पेसिफाई करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस की, पर्टिकुलर सिचुएशन की आप स्पेसिफिक मॉनिटरिंग करोगे, हाँ भाई यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। फिर आता है थर्ड पे हाई रिस्क। हाई रिस्क के अंदर जो सीनियर जो मैनेजमेंट होता है ना, उनकी अटेंशन चाहिए होगी, बात फिर सीनियर लेवल तक जाएगी कि एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है कि यार आप लोगों का इंटरवेंशन इसमें रिक्वायर्ड है। तो कुछ कमांड और कंट्रोल स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना, एडिशनल कंट्रोल मेजर्स लेने पड़ेंगे। एंड फिर आता है फोर्थ हमारा वेरी हाई रिस्क, जिसके लिए WHO ने जो कोरोना वायरस था उसको वेरी हाई रिस्क के ऊपर सेट कर दिया था। यहाँ पर बिल्कुल इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए, यानी कि तुरंत इसका रिस्पॉन्स चाहिए होगा अगर कोई भी ऐसा इवेंट रिपोर्ट किया जाता है नॉर्मल वर्किंग आवर्स के अंदर। सीनियर मैनेजमेंट का इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए होगा इसके अंदर भी। कमांड और कंट्रोल स्ट्रक्चर होगा, इसको विद इन आवर्स इसको एस्टैब्लिश करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ इस चीज़ का, अर्थक्वेक जैसे कभी आ जाता है किसी हिमालयन रीजन के अंदर, किसी रिवर एरिया के पास अगर कोई अर्थक्वेक आ जाता है तो पता होता है कि जैसे डैम वगैरह का जो स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर बहुत सारे नुकसान होने के चांसेस होते हैं। तो वो वेरी हाई रिस्क सिचुएशन हो जाती है कि वहाँ पर एकदम सडन आवर्स के अंदर, मिनट्स के अंदर आपको डिसीजंस लेने होते हैं, मिनट्स के अंदर आपको कमांड स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत हाई रिस्क के ऊपर होती हैं। आप अपनी रियल लाइफ की सिचुएशन से इनको कनेक्ट करके आइडिया लगा सकते हो। नेक्स्ट वी हैव एकम फेस्ट। मैंने आप लोगों को लिस्ट तो बताई रखी, मैं लिस्ट में नोट करते जाइए। फिफ्थ वीडियो चल रही है वाली, तो आपके पास ऑलरेडी कुछ कंटेंट हो गया होगा आपका इंडेक्स के अंदर, ठीक है। एक एग्जीबिशन कम फेयर, यानी कि एग्जीबिशन भी है और एक फेयर भी है, इसका नाम है एकम फेस्ट। इसको ऑर्गेनाइज किया गया है नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट। अब ये आपका टॉपिक आता है सोशल जस्टिस वाला, ठीक है। तो सोशल जस्टिस का कोई आप मेंस का आंसर लिखिए, उसका आप एग्जांपल लिख सकते हो कि हाँ जो हैंडीकैप लोग होते हैं उनके वेलफेयर के लिए एक ऐसा एकम फेस्ट भी डेवलप किया जाता है, ठीक है। कौन करता है? NHFDC। एम क्या होता है? क्राफ्टमैनशिप और प्रोडक्ट्स ऑफ दिव्यांग। दिव्यांग मतलब जो फिजिकली चैलेंज होते हैं, उन वो जो आर्टिस्ट होते हैं ना जो कि दिव्यांग आर्टिस्ट यानी कि फिजिकली चैलेंज आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनके प्रोडक्ट्स वगैरह को प्रमोट करने के लिए। देखो जो दिव्यांग है ना, दिव्य अंग डिवाइन पार्ट, ठीक है, डिवाइन ऑर्गन बोल सकते हो आप, तो हिंदी का शब्द का मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए इस बात में। यूरेशियन ऑटर, ये IUCN का, जब भी किसी एनिमल वगैरह के बारे में बात करते हैं तो आपको उनका IUCN ये साइट्स का स्टेटस, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कौन से लिस्ट के अंदर आता है, कौन से स्केड्यूल में आता है, सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। उसका हैबिटेट क्या है, कौन से पार्क में मिलता है, इंडिया में कौन से रीजन में मिलता है, और इसके अलावा और क्या चलता है, हाँ बेसिक इतना ही चलता है, मेजर चीज़ें यही मिलती हैंगी, प्रोटेक्शन स्टेटस और उनके हैबिटेट, कौन से रिवर के पास या फिर कौन से जंगल में या फिर कौन से पार्क सेंचुरी में, कौन से स्टेट में मिलता है इंडिया वगैरह के। इंडिया से बाहर का आप शायद इग्नोर कर सकते हो, लेकिन इंडिया का आपको पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये नियर थ्रेटेंड रेड लिस्ट में है और साइट्स के अंदर ही अपेंडिक्स वन में आता है। और जो हमारा WPA है, WPA बोलने पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट याद रखा करो, 1972 का, उसके स्केड्यूल 2 में आता है। हैबिटेट की बात करें तो यूरोप में मिलेगा, एशिया में मिलेगा। इंडिया में ये जो स्पीशीज़ हैं ये हमारे हिमालय के जो फुटहिल रीजन है, ध्यान रखना हिमालयन नहीं, हिमालय के फुटहिल रीजन में, यानी कि तलहटी जो एरिया है ना नीचे हिमालय के तल में जो एरिया है वहाँ पर मिलेगा। सदर्न वेस्टर्न घाट में मिलेगा, सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप के अंदर मिलेगा। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली चिल्का लेक के पास स्पॉट किया गया था। DGFT, ठीक है, PIB के इफेक्ट के अंदर ये कंटेक्स्ट आता है। ये एक ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री का, जो कि 1991 में फॉर्म हुआ था। इसका सिंपल सा काम होता है कि जो भी हमारा देश में विदेश के साथ जो हमारा वो व्यापार हो रहा है ना, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, उसमें रेगुलेशन डालना। अब रेगुलेशन एक तरीके का पॉजिटिव टर्म में कंट्रोल होता है। जब हम बात करते हैं कंट्रोल करना तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं रेगुलेट करना तो वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में हो जाता है। जैसे RBI है, ये सारे के सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है, राइट। तो अभी इसको एक रोल दिया गया है फैसिलिटेटर का। फैसिलिटेटर का मतलब होता है कि टू मेक सम एक्शन और ए प्रोसेस इजी, ठीक है। आप फैसिलिटेट करते हो, मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन को, एक पर्टिकुलर एक्शन को आप इजी बनाने की कोशिश कर रहे हो।
DGFT का काम होता है स्क्रिप्ट्स ऑथराइजेशन देना एक्सपोर्टर्स को और मॉनिटर करना उनके कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्लिगेशंस क्या हैं अपने नेटवर्क रीजनल ऑफिसेस के थ्रू। नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल, एपिलेट मतलब ये अपील करने वाले हैं, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था सेक्शन 410 के अंदर कंपनीज एक्ट के 2013 में, ताकि क्यों ये अपीलेट ट्रिब्यूनल है तो यहाँ पर अपील सुनी जाएगी। किसकी अपील? अगर NCLT जो हमारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है वो कोई अगर डिसीजन लेता है, कोई ऑर्डर देता है, उसके अगेंस्ट अगर किसी को अपील करनी है तो वो इस ट्रिब्यूनल में आता है, ठीक है। ये 1 जून 2016 से इफेक्ट में है। प्लस में इट इज़ ऑल्सो द अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर हियरिंग अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय NCLT अंडर सेक्शन 61 द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ओके। तो ये सारी की सारी कैटेगरीज आपको याद रखनी है। कंपटीशन तो हमेशा इंपॉर्टेंट होता ही है, क्योंकि कुछ बॉडीज़ वगैरह होती हैं, ट्रिब्यूनल्स होते हैं, इनके कंपटीशन तो रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे एंड ये सिलेबस में भी डायरेक्टली मैंशनड है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर उनकी तरफ से कोई नॉमिनी है वो NCLAT का चेयरपर्सन होता है। एक सीनियर जज होंगे सुप्रीम कोर्ट से या फिर एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये भी मेंबर होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल असेस, इन तीनों के सेक्रेटरी वो भी इसके मेंबर होते हैं। NCLAT के डिसीजन हैं, इनको अगर चैलेंज करना हो, मान लो कि आपने पहले तो NCLT में गए, उसके डिसीजन आपने अपील डाली NCLAT में, अगर इसके डिसीजन की भी आपको अपील डालनी होगी तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। हालांकि ये सिचुएशन बहुत ही कम होती हैंगी। डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस, इसका कंटेक्स्ट क्या है? इंडिया के जो डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस है इसको अपग्रेड किया जाएगा जर्मन के डिज़ाइन में लिंक हॉफमैन बोश कोचेस के अंदर, ठीक है। तो एक ट्रेन है, ठीक है, जो इंडियन रेलवे की डेक्कन क्वीन है ना, ये मुंबई से पुणे तक रन करती है 1930 से, ठीक है ना, 1930 से, और ये कंट्री की पहली सुपरफास्ट ट्रेन है, ठीक है। तो इसको अपग्रेड करने की बात की जा रही है टू LHB कोचेस। तो इसके अंदर बेटर सेफ्टी फीचर्स होंगे, ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर दिया जाएगा, सस्पेंशन सिस्टम बहुत ही अच्छा होगा, राइडिंग में बहुत कम्फर्ट मिलेगी। डेक्कन क्वीन पहली लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक हॉल ट्रेन है, ठीक है, फर्स्ट वेस्टिबुल ट्रेन है, फर्स्ट ट्रेन टू हैव लेडीज़ ओनली कार एंड फर्स्ट ट्रेन टू फीचर अ डाइनिंग कार। तो वेस्टिबुल का मतलब अगर हम बात करें तो बेसिकली एक सेंसरी सिस्टम होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की तो उसमें वेस्टिबुलर सिस्टम, ये हमारा जो ब्रेन और ईयर के पास का जो रीजन होता है ना, एक सेंसरी सिस्टम होता है जो इन्फॉर्मेशन पास करता है। तो इसके अंदर भी ये पहली ऐसी ट्रेन थी जिसमें एक सेंसरी सिस्टम लगाया गया था। ये ऑपरेट की जाती है सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा इंडियन रेलवेज़ के। PIB के कुछ फैक्ट्स और पॉलिसीज़ हैं माइनॉरिटीज़ को लेकर, ठीक है ना, अल्पसंख्यक को लेकर। तो अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ के रिगार्डिंग भी आपको पता है सिलेबस के अंदर डायरेक्टली मेंशन होती हैं चीज़ें। तो ऑल अलग अलग स्टेट्स ने क्या क्या स्कीम्स और क्या क्या पॉलिसीज़ चला रखी हैं, हमारे पास 11 चीज़ें आ गई। अभी 11 आपके पास एक पेपर पे अलग से लिखी होनी चाहिए, अगर मेंस में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ करके कि क्या कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं डिफरेंट माइनॉरिटीज़ को सिक्योर करने के लिए। तो आप ये 11 के नाम के साथ भी लिख दोगे ना, 11 मतलब 11 लाइनें लिख दोगे तुम, तो इस क्वेश्चन में तुमको मैक्सिमम मार्क्स अलॉट हो जाएंगे। पहला है मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप स्कीम, यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है फेलोशिप के अंदर। सेकेंड इज़ न्याय सवेरा, ठीक है, ये फ्री कोचिंग है और अलाइड स्कीम है, ठीक है, यहाँ पर फ्री कोचिंग दी जाती है स्टूडेंट्स को और जो भी कैंडिडेट्स होते हैं जो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ताकि वो किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो सकें, कोई टेक्निकल है या फिर प्रोफेशनल कोर्स है या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो ये है न्याय सवेरा। थर्ड इज़ पढ़ो परदेश, कुछ इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है माइनॉरिटी के कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को, अगर एजुकेशन लोन के ऊपर अगर वो देश के बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो इंटरेस्ट सब्सिडी मतलब जो उनको लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसमें कुछ छूट मिल जाती है, उनको कम लगता है। फिर हमारे पास है नई उड़ान, यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है स्टूडेंट्स को जो प्रिलिम्स क्लियर कर लेते हैं ना UPSC के सिविल सर्विसेज का, ठीक है, या फिर स्टेट पब्लिक सर्विसेज का, SSC का, उनको सपोर्ट किया जाता है। फिर है हमारे पास नई रोशनी, ये लीडरशिप डेवलपमेंट स्कीम है, ठीक है, वुमेन के लिए जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज से बिलोंग करती हैं। फिर है सीखो और कमाओ, ये भी एक स्किल डेवलपमेंट स्कीम है यूथ के लिए है, ये 14 से 35 एज ग्रुप के लिए, जिनका एम है जो भी एग्जिस्टिंग वर्कर्स और स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं ना उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को इम्प्रूव करना। फिर हमारे पास है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, ये रिस्ट्रक्चर किया गया था मई 2018 में, पहले इसको MSDP बोला जाता था। इम्प्लीमेंट इसको हम बेसिकली करते हैंगे सोसाइटी के किसी भी सेक्शंस के लिए जिनको माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन एरियाज़ के अंदर आइडेंटिफाई किया गया हो, ताकि वहाँ पर कुछ एसेट्स जैसे कि एजुकेशन, स्किल और हेल्थ सेंटर्स क्रिएट किए जाए।
फिर है जियो पारसी, ये स्कीम है जो कि जो हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा भी था, जो पिछली वाली 3-4 वीडियोस फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा जियो पारसी स्कीम के बारे में। ठीक है, तो पारसीज़ की जो पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर जो डिक्लाइन करती जा रही है, जो कि हाफ से भी कम हो चुकी है बहुत सारी, उसको अपलिफ्ट करने के लिए, और इसमें रिसेंटली एक अपलिफ्टमेंट देखने को मिला था, इसलिए यहाँ पर भी न्यूज़ है और इसलिए पिछली वीडियो में भी ये न्यूज़ में था। देन हमारे पास है उस्ताद। उस्ताद इज़ अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट। ये मई 2015 में लॉन्च हुआ था। अभी ये आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक का कोई अगर आ जाएगा वहाँ पे, कहीं सोशल जस्टिस में कोई आ गया, इंडियन सोसाइटी में कुछ आ गया, वहाँ पर आप इसका एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं। देखो इन सब का इतना सारा कंटेंट पढ़ने का यही पॉइंट होता है, आपको अपने टॉपिक के सेक्शन वाइज एग्जाम्पल्स कलेक्ट करने होते हैं। फिर है नई मंजिल, ये एक स्कीम है फॉर्मल स्कूल एजुकेशन की। ठीक है, जो स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं उनके लिए स्पेशली, इसको भी अगस्त 2015 में लॉन्च किया गया था। फिर 11th है हमारी धरोहर, एक स्कीम है जहाँ पर हम रिच हेरिटेज जो होती है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की, उसको प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है प्रज्ञान कन्क्लेव 2020 का। ये एक 2 डे का इंडियन आर्मी इंटरनेशनल सेमिनार है। देखो इंडियन आर्मी इंटरनेशनल सेमिनार, ठीक है, इसको रिसेंटली ऑर्गेनाइज़ किया था सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ ने नई दिल्ली में। यह एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, जो भी इमर्जिंग आइडियाज़ या पर्सपेक्टिव्स होते हैं जो हमारे न्यू एज वॉरफेयर को डिफाइन करते हैं, जिस तरीके हम लोगों को एक चेंज देखने को मिल रहा है बैटल स्पेस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसका जो यूजेज है मींस से लेकर एंड्स की तरफ तक, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक कंक्लेव ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली के अंदर। कुछ खास नहीं है ये, मतलब इसका सिर्फ प्रीलिम्स में ही आ सकता है ये टॉपिक आपका, प्रज्ञान कंक्लेव किस चीज़ के रिगार्डिंग है या फिर कहाँ पर कंक्लूड किया गया था। स्वैप रेशियो क्या है, सिंपल सी भाषा में समझ जाओ, स्वैप रेशियो एक्सचेंज रेट होता है। ठीक है ना, जो शेयर होते हैं ना कंपनीज़ के जब उनका मर्ज हो जाता है तो उसका एक्सचेंज रेट होता है, इतना सा ही जानना काफ़ी है, अब इसमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैक बाइंडिंग द कंडीशन स्पेसिफाइड ऑफ इंटरनेट यूज़ इन JNK। एक रिसेंट ऑर्डर जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया था, तो उसके तहत जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो इंटरनेट था वो रिस्टोर कर दिया गया था, लेकिन जो कनेक्टिविटी थी उसको मैक बाइंडिंग कर दिया गया था। अभी मैक बाइंडिंग होता क्या है, हर एक डिवाइस का एक मैक एड्रेस होता है जिसको बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो एक हार्डवेयर के आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो बहुत ही यूनिक होता है उस डिवाइस का। तो जब इंटरनेट को एक्सेस करते हैं तो हर एक डिवाइस को अपना एक आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है। आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो मैक बाइंडिंग एसेंशियली का मतलब होता है कि बाइंड जो मैक एड्रेस होता है और जो आईपी एड्रेस होता है, इन दोनों को आपस में बाइंड कर देना, ताकि जो भी रिक्वेस्ट आएंगी किसी भी आईपी एड्रेस से, ठीक है ना, वो सर्व की जाएंगी ओनली बाय दैट कंप्यूटर जिसके पास वो मैक एड्रेस होगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर जो मैक एड्रेस है, जो आईपी एड्रेस है या फिर जो मैक एड्रेस अगर वो चेंज होता है, तो उस पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर इंटरनेट का एक्सेस फिर नहीं हो पाएगा। इसी कारण जो अथॉरिटीज़ हैं मॉनिटर कर सकती हैं एक स्पेसिफिक सिस्टम को कि वहाँ पर कौन सी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ की गई हैं। तो बेसिकली एक कंट्रोल्ड मैनर के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इन्होंने मैक बाइंडिंग के तरीके से इंटरनेट ओपन किया था। इंडिया US मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप MCG। अब इंडिया और US तो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर हॉट टॉपिक रहेगा। ठीक है, अगर आप इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आपके पास एक इंटरनेशनल रिलेशन के सारे अपडेट्स होने चाहिए, क्योंकि मेंस में तो इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे, 4 या 5 से ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे आपका इंटरनेशनल रिलेशन के, लेकिन इंटरव्यू के अंदर आपको ड्रिल किया जा सकता है आपकी नॉलेज के बेस के ऊपर। आपसे सवाल पूछ जाएंगे व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंडियन फॉरेन सर्विस, तो आपके पास आंसर होने चाहिए। देन दे विल बी क्रॉस क्वेश्चनिंग यू, डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं वर्ल्ड में, आपसे पूछ लेंगे इंडिया US के बीच क्या चल रहा है, ठीक है, इंडिया चाइना के बीच क्या चल रहा है, इंडिया इसराइल का क्या चल रहा है, रशिया चाइना इंडिया क्या चल रहा है। तो ये चीज़ें आपके एक फिंगर टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। ऑल दो आपके पास अगर जो PSIR का ऑप्शनल है तो आपको बहुत सारी चीज़ें वैसे ही मालूम होनी चाहिए। तो इंडिया US का जो मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप जो डायलॉग है ये स्केड्यूल हो गया था लेटर, लेकिन नेक्स्ट मंथ के, लेकिन COVID-19 के कारण इसको कैंसिल कर दिया गया है। एक फोरम है MCG जहाँ पर डिफेंस कोऑपरेशन क्या क्या हुई है, इंडिया के जो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है और US का जो इंडो पैसिफिक कमांड है, इनके बीच में क्या कुछ कोऑपरेशन हुई है उसको रिव्यू करने के लिए। ठीक है ना, तो जो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है ये सारी की सारी कोऑर्डिनेशन करता है हमारी आर्म्ड फोर्सेस की, और स्पेशली जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे उनके अपॉइंटमेंट से पहले। रेड पांडा, अब फिर एक स्पीशीज़ के बारे में बात की जा रही है कि IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है, सिक्किम का स्टेट एनिमल है। ठीक है, और ये क्वेश्चन ये आते हैं ऐसे क्वेश्चन, पता है ये उसमें आएंगे MCQ, मतलब जो क्रॉस मैचिंग वाले होते हैं ना उसमें लिखेंगे कि स्टेट एनिमल रेड पांडा का स्टेट एनिमल, एक जगह सिक्किम लिखा होगा एक जगह आसाम लिख देंगे,
ठीक है, या फिर एक जगह उत्तराखंड लिख देंगे या फिर ऊपर अरुणाचल प्रदेश लिख देंगे, क्योंकि सारे चाइना के बॉर्डर से टच करते हैं और हमको पता है कि रेड पांडा तो चाइना में भी मिलता है, फिर आपको मैच करना पड़ेगा। तो जो जीनस एलुरुस है उसका ओनली लिविंग मेंबर है ये। इंडिया के हैबिटेट की अगर बात करें तो सिक्किम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, कुछ 5,000 से 6,000 रेड पांडा हैं जो प्रेजेंट हैं इन चार इंडियन स्टेट्स के अंदर, और ये सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। चाइना के अंदर 6,000 से 7,000 है, नेपाल में ये 580 के काउंट में है, भूटान और म्यांमार में अभी तक कोई एस्टिमेट नहीं मिला है इनके पॉपुलेशन का। और साइट्स की बात करें तो अपेंडिक्स 1 में है। इंडिया के अंदर कौन से एरियाज़ हैं, अब देखो कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है, न्योरा वैली वेस्ट बंगाल में है, नामदफा जो नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में, सिंगालीला नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, अभी चार नेशनल पार्क के नाम आ चुके हैं, तो आपको चारों के बारे में मालूम होना चाहिए। यहाँ पर पर्टिकुलरली कौन से एनिमल्स मिलते हैं, फ्लोरा क्या है, फोना क्या है, ये आते हैं सवाल, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओपन करोगे ये आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और इनमें से कोई एक अगर आ जाएगा तो वो अगले 2-3 साल तक आ सकता है, एक बार उसका हैबिटेट पूछ लेंगे, एक बार उसके अंदर कोई नई स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस होगी वो पूछ लेंगे, ठीक है, अगली बारी के अंदर मान लो लोकेशन पूछ लेंगे उसकी। इसलिए तो ये रेड पांडा वाला टॉपिक अभी न्यूज़ में क्यों था, एक रिसेंटली स्टडी की गई थी जहाँ पर वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क के ट्रैफिक के द्वारा, और उसमें ये देखने को मिला था कि बहुत सारे एनिमल्स की तरह इनके लिए भी ट्रैप्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है, जैसे डियर के लिए, वाइल्ड पिग के लिए ट्रैप्स लगाए जाते हैं, तो इस ट्रैफिक की मॉनिटरिंग में पता चला था कि रेड पांडा के लिए इनको पकड़ने के लिए भी ट्रैप्स लगाए जा रहे हैं बहुत सारे। सह्याद्री मेघा, ये एक नई वेराइटी ऑफ पैडी है, पैडी मतलब राइस, चावल को बोलते हैंगे, जो ब्लास्ट डिजीज़ से रेजिस्टेंट है यानी कि सिक्योर है और न्यूट्रिएंट्स में बहुत ही रिच है। इसको UAHS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल साइंसेज, जो कि शिवमोगा में है, शिवमोगा एक कर्नाटका का एक सिटी है, वहाँ इनको इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। तो ये एक इनिशिएटिव था तो किस तरीके से उस एरिया के अंदर जो पैडी की कल्टीवेशन का डिक्लाइन हो रहा है उसको रिस्टोर करने के लिए उसका पार्ट है। किशोरी शक्ति कार्यक्रम, ये एक कैंपेन है जो कि स्टार्ट किया गया था 14 टीनेज गर्ल्स के द्वारा ओडिशा के बहरमपुर में, ताकि जो यंग गर्ल्स हैं जो सिटी के स्लम एरिया में रहती हैंगी उनको एम्पावर करने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए। अब ये आपका विमेन वाला जो टॉपिक होगा ना उसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो, आपका ऐसे आ सकते हैं विमेन जैसे टॉपिक्स के ऊपर जो कि बहुत ही प्रेवलेंट होते हैं, उसमें आप इसका कंटेंट लिख सकते हो। इस कैंपेन के अंदर वो एडोलेसेंट्स को और कम्युनिटी को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के रिगार्डिंग अवेयर करते हैं, ठीक है ना, उनकी सही एज क्या होनी चाहिए मैरिज के बारे में, स्कूल्स के लिए उनको मोटिवेट करते हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट्स को मोटिवेट करते हैं, प्रमोट करते हैं कि वो दोबारा से स्कूल्स को अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट करें, जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं, प्लस में एडोलसेंट ग्रुप्स के अंदर स्किल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग भी अवेयरनेस फैलाई जाती है। एज़ पार्ट ऑफ दिस कैंपेन टीन क्लब्स एस्टेब्लिश किए गए हैं कुछ टारगेटेड स्लम्स के अंदर, ये क्लब्स के अंदर गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही मेम्बर्स होंगे। जो एक्टिविटीज़ हैं इनको कोऑर्डिनेट करती हैं आशा वॉलेंटियर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स। 15th के बाद आएगा हमारा 16th विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स, नीति आयोग ने ऑर्गेनाइज़ किया था, 4th एडिशन था ये विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स का। तो WTI अवार्ड्स जो हैं ये नीति आयोग का इनिशिएटिव है, जहाँ पर कमेंडेबल और ग्राउंड ब्रेकिंग एंडेवर्स जो होते हैं इंडियन विमेन लीडर्स के और चेंज मेकर्स के, उनके लिए हैं। 2018 से जो अवार्ड्स हैं इनको होस्ट करता है नीति आयोग का विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, इसका स्पेशल फोकस होता है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। तो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म क्या है, 8 मार्च 2018 को ये लॉन्च किया गया था, अपने आप में एक टाइप ऑफ फैसिलिटेशन प्रोग्राम है जहाँ पर ये कोलैबोरेशन करते हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ताकि एक उनको एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आएँ जहाँ पर विमेन के द्वारा जो एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम्स होती हैं उनके ऊपर फोकस किया जाए। कुछ इनिशिएटिव्स और प्रोग्राम जो है बहुत सारे मैंशनड हैं WEP की वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पर ये बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करते हैं विमेन एंटरप्रेन्योर्स के अमंग और जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कि किस तरीके से इस पॉलिसी मेकिंग को, इस पॉलिसी को और इंक्रीज़ किया जाए, विमेन को और ज़्यादा इनरोल किया जाए एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। 17 WISTEMM प्रोग्राम, PIB का टॉपिक है, WISTEMM का मतलब हो गया विमेन इन साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन प्रोग्राम, इसे इंप्लीमेंट करता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं इंडियन वुमेन साइंटिस्ट को, इंजीनियर को, टेक्नोलॉजिस्ट को, ताकि उनको एक इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव रिसर्च करने का मौका मिले प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में, जैसे US हो गया, ताकि वो अपनी रिसर्च कैपेबिलिटीज़ वगैरह के ऊपर काम कर सकें।
दो कैटेगरी में रन किया जाता है ये वीमेन साइंटिस्ट के, वीमेन ओवरसीज स्टूडेंट इंटर्नशिप मॉड्यूल, ये उन वीमेन के लिए जो पीएचडी परस्यू कर रही हैं, और वीमेन ओवरसीज फेलोशिप मॉड्यूल टू, ये उन वीमेन के लिए जो पीएचडी डिग्री, जो इनके पास पीएचडी डिग्री है और जो रेगुलर पोजीशन पे हैं किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन या अथॉरिटी के अंदर या फिर कोई लेबोरेटरी के अंदर। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी ब्राइट यंग वुमेन सिटीज़न हो जिसका एज ब्रैकेट 21 से 45 ईयर्स तक होना चाहिए, उनके लिए ये प्रोग्राम है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की। अट्टुक्कल पोंगल फेस्ट, अट्टुक्कल पोंगल लार्जेस्ट रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन है वुमेन का, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब जहाँ पर सब मिलते हैं एक जगह पर। प्रिपेयरिंग पोंगल जो कि एक अपने आप में एक स्वीट ऑफरिंग होते हैं, एक स्वीट डिश होती है, ये बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है और सभी विमेन रिचुअल के लिए एक पार्ट है हमारे एनुअल फेस्टिवल का, जो कि अट्टुक्कल भगवती टेंपल में, जिसको पॉपुलरली हम लोग विमेन सबरीमला भी बोलते हैं। तो एज़ पर ए लोकल लेजेंड जो पोंगल फेस्टिवल है ये कमेमोरेट करता है कि जो भी हॉस्पिटैलिटी अकॉर्ड की गई थी विमेन के द्वारा वुमेन लोकल इन द लोकेलिटी टू कन्नगी। अब कन्नगी कौन थी, एक हीरोइन माने जाती है, तमिल के एपिक हैं सिला पद्धिकरण वहाँ पर, तो शी वॉज ऑन हर वे टू कोडुंगलूर इन केरला, कहानी है अपने आप में ये, आफ्टर डिस्ट्रॉइंग मदुरई सिटी, ताकि वो उसके हस्बैंड जो कोवलम के साथ जो इनजस्टिस किया गया था उसको एवेंज करने के लिए, उसका बदला लेने के लिए। तो ये इसके पीछे की एक बैकग्राउंड स्टोरी है। अट्टुक्कल टेम्पल को विमेन सबरीमला बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ विमेन जो हैं वो रिचुअल्स परफॉर्म करती हैं, जस्ट एज प्रीडोमिनेटली मेन अंडरटेक पिलग्रिमेज टू द श्राइन ऑफ लॉर्ड अयप्पा, जैसे लॉर्ड अयप्पा के सामने सिर्फ मेन जो है वो वहाँ पर वर्शिप परफॉर्म करते हैं, तो विमेन सबरीमला ये जो अट्टुक्कल टेम्पल है यहाँ पर सिर्फ विमेन जो हैं ये वर्शिप ऑफर करती हैं। CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऊपर सवाल आते हैं कि कौन सी बॉडी जो है, क्या ये स्टैट्यूटरी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं पास्ट में। तो ये सितंबर 1974 में बनाया गया था अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के तहत, इसमें कुछ पावर्स और फंक्शंस दिए गए थे अंडर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। इंडिया के अंदर ये एपेक्स यानी कि हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पॉल्यूशन कंट्रोल के फील्ड में, तो एक टेक्निकल विंग है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज का। बोर्ड को लीड करते हैं चेयरपर्सन जो कि जनरली एक करियर के मतलब एक सिविल सर्वेंट ही होते हैं और न्यूज़ में इसलिए हैं, इन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर 128 साइट्स हैं जहां पर बहुत ही टॉक्सिक और हजार्डियस सब्सटेंसेस हैं। वेस्ट बंगाल इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, यहाँ पर 27 साइट्स ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पर बहुत सारा टॉक्सिक और हजार्डियस सब्सटेंस जो कंटेमिनेटेड हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे है उड़ीसा जहाँ पर 23 साइट्स ऐसी हैं। शेयर्ड इकोनॉमी क्या होता है, शेयरिंग इकोनॉमी को ही हम लोग कोलैबोरेटिव कंजम्पशन या फिर पीयर टू पीयर बेस्ड शेयरिंग भी बोलते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है जो हाईलाइट करता है कि एक इंडिविजुअल की एबिलिटी जो कितना रेंट करेगा, कितना गुड्स बोरो करेगा रादर देन बाइंग और ओइंग। जैसे कि आप एक गाड़ी टैक्सी में आप चलते हो, ओला करते हो, ऊबर करते हो, तो आप उनको रेंट पे ले रहे हो ना, तो ये एक शेयर इकोनॉमी का पार्ट होता है। या तो आप अपनी खुद की गाड़ी खरीद रहे हो तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को रेंट पे ले रहे हो तो आजकल आपको कुछ वेबसाइट्स जैसे रेंट फॉर मोजो ऐसे कुछ करके, तो वहाँ पर आप फर्नीचर वगैरह भी रेंट पे ले सकते हो। तो ये होती है हमारी शेयर इकोनॉमी टाइप की चीज़। इसमें होते हैं कोवर्किंग, जैसे ऑफिस हो गया, वी वर्क इंडिया होगा, ये कुछ स्पेस प्रोवाइड करते हैं ऑफिस का, रेंट पे आप ऑफिस ले सकते हो, जब आपका अगर आपको शिफ्ट करना आप शिफ्ट भी कर सकते हो, ठीक है। को लिविंग की बात करें तो स्टेंजा लिविंग हो गया, ओयो लाइफ हो गया, ऑक्सफोर्ड कैप्स हो गया। मोबिलिटी में ऊबर, ओला, शटल। फर्नीचर में फरलेंको, रेंट मोजो हो गया। न्यूज़ में क्यों है ये, शेयर्ड इकोनॉमी ने एस्टिमेट किया है कि अबाउट $2 बिलियन इंडस्ट्री, मतलब 2020 के एंड तक ये अपने आप में एक $2 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी, और ये रिसेंट रिपोर्ट दी गई थी मैपल कैपिटल एडवाइजर्स के द्वारा। हालांकि ये मार्च की न्यूज़ थी, लेकिन COVID-19 के कारण जो टारगेट थे सबके ही डाउन आ गए, किसी के भी टारगेट अचीव करना अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पर एक अजम्पशन था। यहाँ पर आपको शेयर्ड इकोनॉमी क्या होती है इसकी डेफिनेशन पता होना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 21st, इंडिया का जो कोल इम्पोर्ट है, कोयला का जो, उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिला था 2019 के अंदर 200 मिलियन टन्स के आसपास, जो कि अपने आप में 12.6% बनता है। अब ये स्ट्रेट ही सेकेंड ईयर में ग्रोथ देखने को मिली थी जो फ्यूल के शिपमेंट में थी। कोकिंग कोल का इंपोर्ट है जिसको मेजरली हम लोग स्टील के मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ करते हैं, इसका थोड़ा सा इंपोर्ट जो है वो नीचे गिर गया था, ठीक है।
पहले 2 साल इंक्रीज़ हुआ था, फिर उसके बाद नीचे गिर गया था। कोल जो है ये टॉप 5 कमोडिटीज़ में आता है जिसको इंडिया इंपोर्ट करता है, और इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, इंपोर्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है इस फ्यूल का। नोट पे हम बात करते हैं तो जो टॉपिक है ये हाईली प्रीलिम्स के लिए रेलेवेंट है, लेकिन आप कोल की डेप्थ के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के बारे में। बांग्लादेश और इंडिया एक 4,156 किलोमीटर का एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं, जो कि वर्ल्ड के अंदर 5th लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है। इसमें 262 किलोमीटर असम के साथ है, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये रहा असम वाला एरिया ऊपर की तरफ। एंड उसके बाद 856 त्रिपुरा के साथ है, विच इज़ एट दिस साइड, एंड 180 किलोमीटर मिजोरम, 443 मेघालय एंड 2,217 किलोमीटर वेस्ट बंगाल, विच इज़ टूवर्ड्स द वेस्टर्न साइड। तो एक रिसेंट गवर्नमेंट डेटा के मुताबिक कोई भी अनयूजुअल अप्रिहेंशन या फिर कोई जो भी इलीगल इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं बांग्लादेश की बॉर्डर की साइड से, वो देखने को नहीं मिला था, ठीक है ना, 2019 में। लेकिन अगर कंपेयर करते हैं उससे पिछले 6 सालों के अंदर, तो बहुत सारा इंक्रीमेंट था इलीगल इन्फिल्ट्रेशन का। वाल्मीकि रिज़र्व के अंदर गौर जो है वो थोड़े से वापस देखने में लिए, एक एक्सेंट बोवाइन है वर्ल्ड का, ठीक है, तो बॉस गोरस, अब इसका साइंटिफिक नाम भी आपको पता होना चाहिए, ना कि सिर्फ वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व जो कि बिहार में वहाँ पर रिटर्न हुआ है, बल्कि बट ऑल्सो ब्रीडिंग देयर, क्योंकि वहाँ ब्रीडिंग का मतलब हो गया ना कि अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ किया जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर ग्रासलैंड का जो कवर है वो इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अभी अट्रैक्ट हुए हैं VTR जो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, क्योंकि वहाँ पर ग्रासलैंड का कवर इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। ये लार्जेस्ट एक्सटेंट बोवाइन है वर्ल्ड का, और ये ग्रासलैंड स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट है, मेन फूड इसका ग्रास होता है, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा पाया जाएगा। अगर हम बात करें IUCN जो कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स रेड लिस्ट है, उसके अंदर ये वल्नरेबल है। VTR की बात करें जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ये 1990 में सेटअप किया गया था, बिहार का जो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर नेपाल का चितवन नेशनल पार्क के साथ बॉर्डर होता है, वहाँ पर ये 899 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। युवा विज्ञानी कार्यक्रम, इसको इसरो ने लॉन्च किया है, एक स्पेशल प्रोग्राम है स्कूल चिल्ड्रन के लिए, तो कि गवर्नमेंट का जो विजन है जल विज्ञान जय अनुसंधान, जय विज्ञान जय अनुसंधान, उसके साथ लाइन में है ये। इसका एम है बेसिक नॉलेज इम्पार्ट करना स्पेस टेक्नोलॉजी की, स्पेस साइंस की और स्पेस एप्लीकेशंस की छोटे बच्चों को, यंगर वंस को। और पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो ये प्रपोज किया गया है कि 3 स्टूडेंट को हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी से सेलेक्ट किया जाएगा इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए, और जिसमें CBSE, ICSE और स्टेट सिलेबस के जो स्कूल्स वगैरह होंगे वो इन्वॉल्व होंगे। तो जिन्होंने, अब अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें कि किन किन को सेलेक्ट किया जाएगा, तो जिन्होंने अपना 9th का सेनेट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, ये एलिजिबल होंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। सिलेक्शन उनके 8th स्टैंडर्ड की एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड होगा, और उस टाइम पर उन्होंने क्या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की हैं। स्टूडेंट्स जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं उनको थोड़ा सा स्पेशल वेटेज दिया जाएगा सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर। अगर कोई टाई होता है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के अंदर, तो प्रायोरिटी उनमें से यंगर वन को दी जाएगी। न्यूज़ में इसलिए है, इसरो ने शॉर्टलिस्ट किया 358 हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को अक्रॉस द कंट्री इस प्रोग्राम का पार्ट बनने के लिए। फोर्सिबल डिस्पोजेशन ऑफ ए पर्सन्स प्रॉपर्टी इज़ अ ह्यूमन राइट्स वायोलेशन। डिस्पोजेशन का मतलब होता है कि डिप्राइविंग समवन ऑफ देयर लैंड और प्रॉपर्टी। सुप्रीम कोर्ट ने रीआइट्रेट किया है कि किसी भी तरीके से आप किसी इंसान को उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से बिना किसी लॉ के प्रोसेस के अगर आप उसको डिस्पोसेस करते हो, यानी कि उसको डिप्राइव करते हो, तो ये ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन होगा। एक रिसेंट जजमेंट में कोर्ट ने फोकस किया था कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये एक ह्यूमन राइट भी है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है अंडर आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है कि क्या राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्या है? तो आप यहाँ से क्या कहोगे, ये एक ह्यूमन राइट भी है और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है। पार्लियामेंट पासिस अमेंडमेंट अलाउंग पुटिन टू स्टे इन पावर। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए हैं जहाँ पर व्लादिमीर पुटिन जो कि प्रेसिडेंट हैं रशिया के, वो दोबारा से प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में लड़ेंगे 2024 में। ये पास कर दिया गया था रशिया के लोअर हाउस पार्लियामेंट में। नए अमेंडमेंट्स के कारण जो पुतिन हैं वो 2036 तक पावर में रहेंगी। करंटली जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक उनको 2024 में स्टेप डाउन करना है।
ये इनका सेकंड सिक्वेंशियल और फोर्थ प्रेसिडेंशियल टर्म है 2024 में जो एंड होगा, लेकिन इन्होंने इसको अमेंड कर दिया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को और उसको जीरो पे, टैली को जीरो पे ला दिया। टैली को जीरो पे लाने का मतलब जो सिक्वेंशियल टर्म था और जो प्रेसिडेंशियल टर्म था ना टू और फोर का, उसको दोबारा से इस लाइक की घड़ी को वापस घुमा दिया है कि अब जीरो से स्टार्ट करेंगे 2024 में इस तरीके से। रीसेट टू जीरो प्रपोजल का मतलब होता है कि किसी भी तरीके रेस्ट्रिक्शन हटा देना किसी भी पर्सन सिटीजन पर से और उनको अलाउ करना फ्यूचर के अंदर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने में। क्राइम मैक, क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर, एक यूनियन होम मिनिस्टर जो कि अमित शाह जी हैं उन्होंने लॉन्च किया है क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर। इसका एम है ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा बिटवीन वेरियस पुलिस फोर्सेस और जो हीनियस क्राइम के ऊपर, ठीक है, उनके ऊपर पुलिस फोर्सेस के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए एजेंसी सेंटर है। ओनली वन वाइट जिराफ इज़ लेफ्ट इन द वर्ल्ड। अब ये अपने आप में एक काफ़ी हॉट टॉपिक बन जाएगा, ठीक है, एनिमल्स की स्पीशीज़ वगैरह को ध्यान में रखते हुए। तो जो पोचर्स हैं उन्होंने दो एक्सट्रीमली रेयर वाइट जिराफ्स को नॉर्थ ईस्ट केन्या में मार दिया है, जिसके कारण अब ये सिर्फ एक सिंगल एनिमल बच गया है। IUCN ने क्लासिफाई किया है जिराफ को वल्नरेबल अपनी रेड लिस्ट में, किया था 2016 में, और साइट्स के अंदर ये अपेंडिक्स 2 में लिस्टेड हैं। वाइट कलर इनका क्यों होता है, जो वाइट अपीयरेंस होती है जिराफ की वो ल्यूसिज्म के कारण होती हैगी। ल्यूसिज्म एक जेनेटिक कंडीशन होती हैगी जिसके कारण स्किन के सेल्स में पिगमेंटेशन नहीं होता। पिगमेंटेशन का मतलब होता है कि कलर प्रोवाइड करना, ठीक है। ल्यूसिज्म एल्बिनिज्म की तरह नहीं होता है जहाँ पर कोई भी मेलेनिन प्रोड्यूस ही नहीं होता। एल्बिनिज्म एक तरीके का एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें स्किन हेयर और आई के जो कोई कलर नहीं होता उनके ऊपर। तो ये कह रहे कि ल्यूसिज्म एल्बिनिज्म से अलग है। इंडिया पहला कंट्री बन गया था जिसने सस्पेंड किया था, ये तो न्यूज़ पुरानी है, इसमें कुछ वो नहीं है। ऑक्लूडेंटावेस कोनाग्रे, अब ये स्मॉलेस्ट डायनासोर रिकवर किया गया है अभी तक का। साइंटिस्ट ने एक फॉसिलाइज स्कल ऑफ डायनासोर जिसका जो साइज़ है वो मॉडर्न डे के एक हमिंग बर्ड के जितना है, ठीक है, जो कि 99 मिलियन ईयर ओल्ड पुराने एम्बर में ट्रैप है नदन म्यांमार के अंदर। ऑलराइट, फॉसिल रिप्रेजेंट करता है स्मॉलेस्ट डायनासोर फ्रॉम द मेसोजोइक एरा और अबाउट 250 मिलियन से 65 मिलियन ईयर्स अगो तक का। तो काफ़ी अच्छी एक डिस्कवरी हुई है, ठीक है, स्मॉलेस्ट डायनासोर की। अभी एम्बर क्या होता है, एम्बर जनरली एक रेजिन होता है एक प्लांट प्रोडक्ट का ना, तो इसको बहुत हद तक डेकोरेटिव मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऐसा सा ही कुछ ब्राउनिश येलो सा इसका कलर होता है। रेस्टॉन फॉर वल्चर्स इन HP वाइल्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हिमाचल प्रदेश की जो ये पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर एक फीडिंग स्टेशन बनाएंगे, काइंड ऑफ रेस्टॉन बनाएंगे वल्चर्स के लिए, गिद्ध के लिए। तो ये एक पार्ट है उनका जो वाइल्ड लाइफ का जो एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है कि किस तरीके से इस बिग स्कैवेंजिंग बर्ड के नेचुरल हैबिटेट को सेव करके रखा जाए, क्योंकि कुछ पास्ट डेकेड में दशकों में देखने को मिला था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये जो वल्चर्स हैं इनका काउंट कम होता जा रहा है। तो एक 100x100 का एक 7 फीट हाई फेंसिंग ओपन स्पेस बनाया जाएगा सुकनारा के नगरोता सूर्या में, पोंग वेटलैंड में। वल्चर रेस्टोरेंट यहाँ पर डी स्किंड काराकेस, काराकेस होते हैं किसी भी डेड एनिमल की जो डेड बॉडी, एनिमल की जो डेड बॉडी होती है ना उसको काराकेस बोलते हैं। तो ये वल्चर्स को वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। 7 स्पीशीज़ हैं वल्चर की अभी नए वर्ल्ड के अंदर और 16 स्पीशीज़ थी ओल्ड वर्ल्ड की जिसमें यूरोप था, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। आउट ऑफ 16 इन द ओल्ड वर्ल्ड 8 स्पीशीज़ जिसमें हिमालयन ग्रिफन और यूरेशियन ग्रिफन भी हैं, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी रिपोर्ट की गई थी अभी। तो अभी एक ये वल्चर के रिगार्डिंग की स्पीशीज़ के रिगार्डिंग आ गया है, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अभी तक हम लोग आज की न्यूज़ में शायद 3 स्पीशीज़ के बारे में बात कर चुके हैं। डियरनेस अलाउंस क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा गवर्नमेंट जॉब में तो आपको मिलेगा भी ये डियरनेस अलाउंस। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग का एडजस्टमेंट अलाउंस होता है गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज़ को भी मिलता है, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ और जो पेंशनर्स होते हैं। ये कैलकुलेट किया जाता है कि जो आपकी परसेंटेज होती है बेसिक सैलरी की, ताकि इन्फ्लेशन का कोई भी इम्पैक्ट आपके लाइफ स्टाइल के ऊपर ना आए, उसे मिटिगेट करने के लिए। इट कैन बी बेसिकली अंडरस्टूड एक कंपोनेंट होता है सैलरी का जो कुछ फिक्स्ड परसेंटेज के ऊपर बेसिक सैलरी का फिक्स होता है, ताकि आपके ऊपर इन्फ्लेशन का कोई इम्पैक्ट ना हो। बुल एंड बियर मार्केट्स, ये जो टर्म है बुल और बियर मार्केट्स, ये डिस्क्राइब करता है कि स्टॉक मार्केट जनरल वे में कैसे काम कर रहा है।
यानी कि उसमें जो वैल्यू है वो अप्रिशिएटिंग है या डिप्रिशिएटिंग है। बुल मार्केट की हम बात करते हैं कि जो इकोनॉमिकली बहुत साउंड है, यानी कि जो वैल्यू है वो अप्रिशिएट कर रही है, ऊपर बढ़ रही है। अगर हम बात करते हैं बेयर मार्केट की, तो वो वैल्यू जो है वो रिसीड कर रही होती है। ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होते हैं? ये शेयर होते हैं बहुत ही लार्ज और वेल रिकॉग्नाइज्ड कंपनीज के, जिनकी एक लॉन्ग हिस्ट्री होती है अच्छे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। ये जो स्टॉक्स होते हैं, इनकी कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि इनमें बहुत ही टफ मार्केट कंडीशंस होती हैं, और अच्छे मार्केट कंडीशंस में इनके रिटर्न्स भी बहुत अच्छे आते हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स की कॉस्ट भी जनरली बहुत हाई होती है, बहुत अच्छी रेपुटेशन होती हैंगी, और ये रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज़ के लीडर्स के लिए होते हैं। कोरोना वायरस का स्ट्रेन आइसोलेट कर लिया इंडिया ने, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है पुरानी, मतलब कोई पॉइंट नहीं है इसका। सेप्सिस क्या होता है? एक कॉमन कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम द कोरोना वायरस। सेप्सिस एक लाइफ थ्रेटनिंग ऑर्गन का डिसफंक्शन होता है, जो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम के ओवर रिएक्ट करने से होता है। जब भी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाएगा और आपका जो इम्यून सिस्टम अगर वो ओवर रिएक्ट करेगा, तो उसके कारण आपकी डेथ भी हो सकती है, विच इज़ नोन एज सेप्सिस। तो ये जो ओवर एक्टिव और टॉक्सिक रिस्पॉन्स होता है, इसके कारण टिश्यू डैमेज हो जाता है, जिससे मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं, बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन फेल हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं, जिससे डेथ हो सकती है। वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी और पैरासाइट्स। सेप्सिस जो होता है इन डिफरेंट टाइप के पैथोजन से स्प्रेड हो सकता है। पैथोजन मतलब क्या होते हैं? डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स को पैथोजन्स बोलते हैं। जो कॉज होता है सेप्सिस का, ये यूजुअली निमोनिया, वुंड इन्फेक्शन, वुंड इन्फेक्शन मतलब जख्म के ऊपर अगर इन्फेक्शन हो जाए तो, यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर एब्डोमिनल कैविटी में कोई इन्फेक्शन हो सकता है। इबोला और जो येलो फीवर वायरसेस, डेंगी, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू के वायरसेस, इनसे भी सेप्सिस हो सकता है। तो सेप्सिस इज़ ए गुड टर्म, आपको मालूम होना चाहिए। पाई डे, मार्च 14 को पाई डे की तरीके सेलिब्रेट किया जाता है। पाई आपको मालूम होगा, पाई हम लोग मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं सर्कल का फॉर्मूला वगैरह निकालने के लिए। कांस्टेंट वैल्यू है इसकी, मतलब इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? फिक्स। एक होता है वेरिएबल, वेरिएबल मतलब उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो जो आइडिया था, ये यूनाइटेड स्टेट्स में ओरिजिनेट हुआ था, जहाँ पर एक कॉन्वेंशन में था कि टू राइट डेट्स इन ए फॉर्मेट दैट एक्सप्रेसेस मार्च 14 एज 3/14। तो ये जो तीन डिजिट्स थी, ठीक है, ये मैच करती हैं वैल्यू ऑफ पाई की 2 डेसिमल प्लेसेस तक। जो वैल्यू ऑफ पाई की है तो बहुत ही बड़ी होती है। कॉन्सिडेंटली मार्च 14 को ही एल्बर्ट आइंस्टीन का बर्थडे भी होता है। बाय डेफिनेशन पाई जो है एक रेशियो होता है सर्कमफेरेंस का, सर्कल का, ये सब आपको पता ही, बेसिक मैथ्स। स्टॉक मार्केट के अंदर सर्किट ब्रेकर क्या होता है? जून 2001 में सेबी, सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सारा स्टॉक मार्केट देखता है, उन्होंने एक इंडेक्स्ड बेस्ड मार्केट वाइड सर्किट ब्रेकर इम्प्लीमेंट किया था। सर्किट ब्रेकर जब ट्रिगर होते हैं ताकि मार्केट को क्रैश होने से बचाया जा सके, और ये कब होता है? जब पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं, किसी भी कारण मार्केट के अंदर कोई अगर एक्टिविटी हो रही है, तो पार्टिसिपेंट्स पैनिक करना स्टार्ट कर देते हैं, ये कि अगर उनके जो स्टॉक्स होते हैं उनकी ओवर वैल्यूइंग हो जाना, ठीक है ना, उनके स्टॉक्स को डिसाइड करते हैं सेल वगैरह करना, जिसके कारण मार्केट के अंदर बहुत सारी इंस्टेबिलिटी आ जाती है। तो ये तीन स्टेजेस जो होते हैं इंडेक्स मूवमेंट के, 10%, 15%, 20%, वहाँ पर ये अप्लाई होता है। जब ये ट्रिगर होता है सर्किट ब्रेकर, तो जो भी कोऑर्डिनेटेड ट्रेडिंग होती हैगी ये सारे इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट्स में नेशन वाइड में, वो सारी की सारी हॉल्ट हो जाती है, यानी कि रुक जाती है। इसके कारण उस पर्टिकुलर क्रैशिंग सिचुएशन को बचाया जा सकता है। कोविड-19 का सॉलिडेरिटी रिस्पॉन्स फंड, यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन और जो स्विस फिलेंथ्रोफी फाउंडेशन है, उन्होंने एक सॉलिडेरिटी फंड क्रिएट किया है WHO और उसके पार्टनर्स को सपोर्ट करने के लिए, ताकि कुछ कंट्रीज़ को हेल्प किया जाए, वो प्रिवेंट कर सके, डिटेक्ट कर सके और नोवल कोरोना वायरस को मैनेज कर सके। गूगल सब्सिडरी वेरिली क्या होता है? वेरिली एक सब्सिडरी है गूगल की, जो पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का है। इसका फोकस है लाइफ साइंसेज और हेल्थ केयर के ऊपर। 2015 में लॉन्च हुआ था। वेरिली क्लेम करता है, इसका जो मिशन है कि वर्ल्ड का जो हेल्थ डेटा है, उसको लोगों की लाइफ को हेल्दियर वे में एंजॉय करने के लिए यूज़ कैसे किया जाए। तो इन्होंने कुछ टूल्स डेवलप किए हैं और डिवाइसेस, जो कलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, एक्टिवेट करेंगे हेल्थ डेटा को, और फिर कुछ इंटरवेंशंस क्रिएट करेंगे, ताकि हम किसी भी डिजीज़ को पहले तो प्रिवेंट कर सकें, अगर प्रिवेंट ना कर पाए तो उसको मैनेज कर सकें।
न्यूज़ में इसलिए था, ये यूएस की गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे हैं कोरोना वायरस के टाइम पर एंड ऑल दिस थिंग। हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? हर्ड इम्यूनिटी के अंदर लार्ज नंबर ऑफ पीपल उनकी वैक्सीन की जाती है डिजीज़ के अगेंस्ट, ठीक है, जिसके कारण दूसरे लोगों का इन्फेक्ट होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। जब एक सफिशिएंट परसेंटेज की जो पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया जाता है तो डिजीज़ का स्प्रेड जो है वो ऑटोमेटिकली लो हो जाता है। इसी को कम्युनिटी इम्यूनिटी या फिर हर्ड प्रोटेक्शन, दोनों ही नाम दिए गए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? हर्ड प्रोटेक्शन जो है वो अनवैक्सीनेटेड की वो तब होती है जब एक सफिशिएंट प्रोपोर्शन के अंदर एक ग्रुप को इम्यून कर दिया जाता है। अब इसकी डेफिनेशन इतनी ही काफ़ी रहेगी, मुझे लगता नहीं इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐसे। अब कोरोना वायरस के बारे में ऐसा ना कि आपको बहुत कुछ ऑलरेडी मालूम हो चुका है, हम लोग ये सीरीज थोड़ा लेट बना रहे हैं और कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनके स्टार्टिंग में कोई वैल्यू थी कि अब उनकी कोई वैल्यू है नहीं, तो उनको हम स्किप कर सकते हैं इस तरीके से। स्टैफर्ड एक्ट क्या है? यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर किया है नेशनल इमरजेंसी उनके कंट्री के अंदर। अब देखो यूएस की नेशनल इमरजेंसी में कौन से एक्ट को वो इन्वोक करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, वो है स्टैफर्ड एक्ट। इस एक्ट के मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी सभी स्टेट्स को रिलीफ मैटर में 75%, ठीक है, इतना परसेंट वो कंट्रीब्यूशन करेंगे। ये एक्ट ऑथराइज करता है प्रेसिडेंट को कि वो फाइनेंशियल और जो बाकी असिस्टेंस होती हैं वो लोकल और स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड करेगा, ठीक है, कुछ प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को भी और कुछ इंडिविजुअल्स को, जो कि एक डिक्लेरेशन के अंडर आता है। स्टैफर्ड एक्ट इमरजेंसी लिमिटेड और मेजर डिजास्टर मोर सीवियर के अंदर। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? एक्साइज ड्यूटी रेफर करता है वो टैक्स जो हम लोग उन गुड्स के ऊपर लगाते हैं जो हमारी ही कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, और जो कस्टम ड्यूटी होता है वो उन गुड्स के ऊपर लगाया जाता है जो दूसरी कंट्रीज से हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। तो जुलाई 2017 में सेंटर ने इंट्रोड्यूस किया था GST, जिसने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को, जिसमें एक्साइज ड्यूटी भी था, उन सबको सब्ज्यूम कर लिया था, यानी कि ख़त्म कर दिया था। इसका मतलब एक्साइज ड्यूटी जो है वो टेक्निकली एग्जिस्ट नहीं करता इंडिया के अंदर अब, एक्सेप्ट लिकर और पेट्रोलियम, यानी कि शराब और पेट्रोलियम। कुछ की फैक्ट्स हैं, वो आइटम और सर्विसेज जो GST के परव्यू, मतलब उसकी लिमिट से बाहर हैं, उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि जनरली पे किया जाता है और उसको स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी रेस्पेक्टिवली, जिस जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का वो होता है। CBEC जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इन का समय, वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक्साइज ड्यूटी को कलेक्ट करने के लिए। जो रेट है हमारे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की, ये डिफाइन की गए हैं हमारे सेंट्रल एक्साइज ट्रैफिक एक्ट 1985 के अंदर। न्यूज़ में क्यों था? गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल के ऊपर 3 रुपये का एक्साइज जो था वो बढ़ा दिया था। ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि बहुत बार रेट बढ़ा दिया, इस सबको ध्यान मत दो। ये जानो कि एक्साइज ड्यूटी हमारे कंट्री के अंदर कहाँ कहाँ बचा हुआ है, कहाँ कहाँ हट गया है, दस मच इज इनफ। तो दिल्ली, हु विल रिप्रेजेंट दिल्ली पुलिस? सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के, अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से लॉ ऑफिसर्स अपॉइंट करेंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे दिल्ली पुलिस को और NCR गवर्नमेंट को किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के सामने, ठीक है। ये ऑर्डर पास किया यूनियन होम मिनिस्टर ने, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि दिल्ली पुलिस को या फिर NCR की जो गवर्नमेंट होती है उसको किसी भी तरीके का कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में कोई डिस्प्यूट वगैरह, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसके पास पावर है? लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। वो किसी लॉ ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे। बोको हराम ये कौन होते हैं? बोको हराम एक वायलेंट इस्लामिस्ट इंसर्जेंट ग्रुप हैं, ठीक है, जो कि नॉर्थ ईस्ट नाइजीरिया से लेकर उनका जो नेबरिंग वेस्ट अफ्रीकन नेशन है, विलेज नाइजर, चैड, कैमरून, लेक चैड बेसिन, यहाँ तक ये स्प्रेड है। इमरजेंस की बात करें तो ईयर 2000 में बोको हराम इमर्ज होकर आया था नाइजीरिया में, एक स्मॉल सुन्नी इस्लामिक सेक्ट की तरह, जिन्होंने एडवोकेट किया था कि एक बहुत ही स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन किए इन्होंने इस्लामिक लॉ को लेकर, ये इन्होंने अपने तरीके से एक स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन की हुई है। ग्रुप को ऑफिशियली बुलाया जाता है जमा अहल अल असुन्ना लिदा वा वाल जिहाद। अब ये आपको नाम याद करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, आपको बोको हराम इज मोर देन इनफ, मोर कॉमनली इनको हम बोको हराम ही बोलते हैं। कंट्री के जो लोकल हौसा स्पीकिंग पॉपुलेशन है उन्होंने ये निकनेम दिया है इनको, क्योंकि जो ग्रुप का कॉल है, ठीक है ना, ये किस तरीके से ये वेस्टर्न एजुकेशन को और कल्चर को अन इस्लामिक मानते हैं। इस्लाम के अंदर जो भी चीज़ फॉरबिडन होती है ना, जिसके ऊपर रोक लगी होती है, उसको हराम बोला जाता है।
ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने इसको बोको हराम ग्रुप को नाम दिया है, क्योंकि ये उस चीज़ को अपोज करते हैं। एमरजेंसी कोविड-19 फंड फॉर द सार्क नेशंस, ये एक अच्छी चीज़ है। देखो, पीएम मोदी ने प्रपोज़ किया था कोविड-19 के लिए एक फ़ंड, सार्क नेशन स्पेसिफिक फ़ंड, तो इंडिया ने इसमें ऑलरेडी $10 million फंड में कंट्रीब्यूट कर दिए थे। वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन है, यानी कि अपनी इच्छा है, आप देना चाहो तो दो, ना देना चाहो तो मत दो। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन है, रीजनल कोऑपरेशन, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था जब एक सार्क चार्टर ढाका में 8 दिसंबर 1985 को साइन किया गया था। अब इसके मेंबर स्टेट्स कौन कौन हैं? अफगानिस्तान, साउथ एशियन कंट्रीज़, पहले तो ध्यान रखो, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसके जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट हैं वो नेपाल के काठमांडू में हैं। ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया गया था ताकि इन कंट्रीज़ के बीच में आपस में इकोनॉमिक और कल्चरल टाइज हों। जब भी हम किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो ये हमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इनका मेजर मुद्दा क्या है। जैसे हम नेटो की बात करते हैं तो नेटो क्या है? अपने आप में एक मिलिट्री की डिफेंस की ट्रीटी है ना, कि कोई कंट्री किसी पे अटैक करेगी तो उनको बचा लेंगी, ठीक है। ब्रिक्स किसके लिए है? इकोनॉमिक है, कल्चरल है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन किसके लिए? जब यूनाइटेड नेशन को स्टार्टिंग में बनाया गया था तो वर्ल्ड के अंदर पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए। इस तरीके से हर एक ग्रुप का आपको ये मालूम होना चाहिए, ये आपको आंसर राइटिंग में भी हेल्प करता है और प्रीलिम्स में भी बहुत हेल्प करता है। ऐसी चीज़ें आ जाती हैं ऑप्शंस के अंदर। कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या है? ये वन ऑफ द लेवल्स ऑफ ट्रांसमिशन है जिनको WHO ने डिफाइन किया है। अगर हम सिंपल भाषा में रखें तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि एक वायरस जो है वो एक कम्युनिटी में सर्कुलेट कर रहा है और वो अफेक्ट कर सकता है उन लोगों को जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। अभी कोरोना वायरस की रिगार्डिंग था तो इसमें सिर्फ इतना जानो कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है। कोई भी चीज़ जो कम्युनिटी में सर्कुलेट होना स्टार्ट कर देती है तो। कैटेगराइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये न्यूज़ में खूब आएगी, आगे भी बहुत रिपीट होगी। इंडस्ट्रीज़ को कैटेगराइज़ किया गया है उनके पॉल्यूशन लोड के मुताबिक। ध्यान देना किसके ऊपर बेस्ड है, पॉल्यूशन लोड कितना है। किसने कैटेगराइज़ किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। क्राइटेरिया क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने डेवलप किया है क्राइटेरिया कैटेगराइजेशन का इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का, जो कि पॉल्यूशन इंडेक्स के ऊपर बेस्ड है। अब ये एक फंक्शन होता है एमिशंस का, यानी कि एयर पॉल्यूटेंट्स कितने हैं, जिसमें कि एमिशंस में क्या क्या हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मिथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह हो गए, सब कुछ हो गए, और एफ्लुएंट जो कि वाटर पोल्यूशन। अब ये वर्ड आप ध्यान रखोगे, एमिशन हम बात करते हैं एयर पोल्यूटेंट की, एफ्लुएंट हम बात करते हैं वाटर पोल्यूटेंट की। प्लस में हजार्डियस वेस्ट कितना जनरेट हुआ है, रिसोर्सेज को कितना रिसोर्सेज कंज्यूम किए गए हैं, इन कैटेगरीज के बेस के ऊपर एक पॉल्यूशन इंडेक्स बनाया जाता है, फिर कैटेगरी दे दी जाती है। अब हमारे पास चार कैटेगरीज हैं मेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए, इसके ऊपर बहुत कुछ बनता है। मतलब न्यूज़ में डायरेक्ट आ जाएगा कि ये रेड कैटेगरी की है, तो आपको पता होना चाहिए कि रेड कैटेगरी कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर। रेड कैटेगरी में आती हैं सीमेंट इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल, शुगर, पेपर एंड पल्प, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ऑर्गेनिक केमिकल्स, फर्टिलाइज़र और फायर क्रैकर। अंदाज़ा होना चाहिए आपको कौन सी कैटेगरी का है। ऑरेंज कैटेगरी में आएगा हमारे कोल की वॉशरीज़, ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग, पेंट की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, स्टोन क्रशर्स एंड, अच्छा ये स्टोन क्रशर्स क्यों, क्योंकि इससे ना बहुत सारा डस्ट निकलता है एटमॉस्फेयर के अंदर। एल्यूमिनियम और कॉपर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द स्क्रैप। ग्रीन कैटेगरी भी है एक, जिसमें हम एल्यूमिनियम की यूटेंसिल, स्टील फर्नीचर, सोप मैन्युफैक्चरिंग और टी प्रोसेसिंग को रखते हैं। फिर आती है वाइट कैटेगरी, जो कि प्रैक्टिकली नॉन पॉल्यूटिंग होती हैंगी, ठीक है, जैसे कि एयर कूलर और एयर कंडीशनिंग की यूनिट्स, चॉक फैक्ट्रीज, बिस्किट ट्रे यूनिट्स, इनको ग्रीन क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं होती। इंडस्ट्रीज़ जिनकी स्कोरिंग 60 है और उसके अबव है, मतलब एक स्केल है 1 से 100 का, जिनकी स्कोरिंग 60 और उससे अबव है उनको रेड में रखा गया है। जिनका 41 से 59 है वो ऑरेंज कैटेगरी में है, 21 से 40 वाली ग्रीन है, और जिनका 20 से बिलो है वो वाइट कैटेगरी में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, इनको थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि मैंने जो डेली न्यूज़ करवाए हुए हैं ना, मुझे याद है ये चीज़ें ना आई हैं बार बार, ये कैटेगरीज़ वगैरह वाली चीज़ें तो यहाँ पर डिटेल में है, तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा यहाँ पर। ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम, ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है? बेनीशंगुल,
गुमूज रीजन में है इथोपिया के अंदर। अभी वैसे तो मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा अपने आप में, लेकिन ये टॉपिक आएगा जब मैं मंथली कंपाइलेशन कराऊंगा ना दोबारा स्टार्ट, अभी पूरी स्टार्टिंग से, तभी पूरा डिटेल में आएगा एक बार। बेनिन शांगुल गुमूज रीजन में है इथोपिया के अंदर। पहले इसको मिलेनियम डैम के नाम से बोला जाता था, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है इन द बेनिन शांगुल गुमूज रीजन ऑफ इथोपिया, जो कि ब्लू नाइल रिवर के ऊपर है, विच इज़ 40 किलोमीटर ईस्ट ऑफ सूडान। न्यूज़ में क्यों है, जुलाई के डेडलाइन है वो थोड़ी सी पास है, किस चीज़ के लिए, गर्ड के लिए। गर्ड क्या है, ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम रिवर नाइल के ऊपर जो फंक्शनल हो जाएगा, विच इज़ अ डिस्प्यूट बिटवीन इथोपिया इजिप्ट, जिसमें सूडान भी बीच में फंस गया है, इसके कारण एक डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ बीच में आ गया है। अभी यहाँ डिटेल में नहीं है, बस इतना जानो कि ये GERD क्या है, एक डिस्प्यूटेड डैम है इथोपिया इजिप्ट के बीच में और सूडान भी इसमें इन्वॉल्व हो गया, अब नाइल रिवर के ऊपर है ये पास, इतना जानो। अभी लोकेशन वगैरह लिख लो नाइल रिवर की, आपको मैंने बता रखा है कैसे लिखनी है। कंट्री की फर्स्ट वुमेन ओनली मेडिकल कॉलेज जो फ्री मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, सिम्बायोसिस ने सेटअप किया है कंट्री का पहला वुमेन ओनली मेडिकल कॉलेज जहाँ फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, इसे बुलाया जाएगा सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन, ठीक है। ये लोकेटेड है सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के ही कैंपस में जो कि पुणे में है। अब ये आप कहीं ना कहीं वुमेन के टॉपिक में ऐड कर सकते हो एग्जांपल। यूनिवर्सिटी ऑफ पीस एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला हुआ है। एक ट्रीटी थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये साइन की गई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 1980 में। इसका मेन कैंपस कोस्टा रिका में है। अब लोकेशन आ गई है, ठीक है, ध्यान रखना। यूनिवर्सिटी का यूनिक स्टेटस ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन नहीं है हायर एजुकेशन के लिए पीस और कॉन्फ्लिक्ट्स का, बल्कि अपने आप में एक इंटरनेशनल ट्रीटी बॉडी भी है जिसको UNGA ने मैंडेट भी किया है। आर्टिकल 80 क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय द सब क्लॉज ए एंड क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 80 ऑफ इंडिया विच इज रेड विद क्लॉज 3 ऑफ द आर्टिकल, प्रेसिडेंट ने रिसेंटली नॉमिनेट किया। देखो प्रेसिडेंट 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा के अंदर, ठीक है, उसमें से उन्होंने जो रंजन गोगोई हैं जो कि हमारे एक्स चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, उनको उन्होंने जो वैकेंट सीट है राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, ठीक है, उसके लिए उन्होंने उनको नॉमिनेट किया था। अपने आप में बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक था ये, और ये आगे भी रहेगा थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, तो प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा। 53 में है पक्के टाइगर रिजर्व। न्यूज़ में क्यों है, अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है दे विल कीप इन अबेयंस। अबेयंस का मतलब होता है कि टेम्परेली किसी चीज़ को रोक देना, इनएक्टिविटी में कर देना। जो सर्वे वर्क है ना, जो कि एक रोड के लिए सर्वे वर्क चल रहा था पक्के टाइगर रिजर्व के तहत, उसको कुछ समय के लिए इन्होंने रोक दिया है। तो एक 40 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो कि ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक रोड प्रपोज किया गया था, जो कि सेईजोसा जो कि पक्के किसांग डिस्ट्रिक्ट में है, और भालुकपोंग जो कि वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है स्टेट के, उनको कनेक्ट करेगा। तो ये PTR जो पक्के टाइगर रिजर्व है, एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ईस्टर्न हिमालयस के अंदर। इसका दूसरा नाम है पखुई टाइगर रिजर्व। इस टाइगर रिजर्व को इंडिया बायोडाइवर्सिटी का अवार्ड मिला था 2016 में, और ये आता है कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़ की कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ पर हॉर्नबिल नेस्ट अडॉप्शन प्रोग्राम भी चलाया गया था। इट इज़ बाउंडेड बाय भरेली और कामेंग रिवर वेस्ट एंड नॉर्थ में, और पक्के रिवर ईस्ट के अंदर। नेबर की बात करें तो पैपुंग रिजर्व फॉरेस्ट है अरुणाचल प्रदेश में, असम का नमेरी नेशनल पार्क है, दोईमरा रिजर्व फॉरेस्ट है, और ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मेन पेरेनियल स्ट्रीम्स, पेरेनियल का मतलब होता है जो सदाबहार बहने वाली नदियाँ या फिर नाले जो होते हैं ना, वो है नामेरी खाड़ी, ऊपर ढिकरोई, वेस्ट ऑफ कामेंग रिवर इज सेसा ऑर्किड सेंचुरी। इतने सारे नाम आ गए हैं ना रिवर के, एरिया के, सेंचुरी के, फॉरेस्ट के, लिख लो अपने नोट्स के इंडेक्स में। एक सेफ हैंड चैलेंज लॉन्च किया गया था WHO के द्वारा कोरोना वायरस के पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए, कि आपको 40 सेकंड के बाद अपने हैंड 40 सेकंड तक अपने हाथ धोने आएंगे, नॉट इम्पॉर्टेंट, यू कैन इग्नोर दैट। दानूबे ओडेर एल्बे कैनाल एक कैनाल है। इसका एम है कि जो दानूबे ओडेर और एल्बे रिवर्स हैं, ठीक है, उनको कनेक्ट करेंगी और एक नेविगेबल लिंक मिलेगा ब्लैक सी से लेकर
नॉर्थ और बाल्टिक सीज तक। न्यूज़ में इसलिए था, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने जो कि सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के हैं, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को क्रिटिसाइज़ किया था। उन्होंने कहा कि अगर आप इसे कंस्ट्रक्ट करोगे तो ये रीजन के रिवर लैंडस्केप को डिस्ट्रॉय कर देगा, जो कि यूरोपियन यूनियन के एनवायरमेंटल लॉज को भी कहीं ना कहीं वायलेट करेगा। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं, उनको आरबीआई के द्वारा सेल और परचेज करना मार्केट के अंदर ओपनली, ठीक है। इससे क्या होता है कि इकोनॉमी के अंदर जो रेगुलर की मनी की सप्लाई होती है ना, उसको आप रेगुलेट करते हो। देखो ये मैंने रिसेंटली डेली न्यूज़ में पढ़ाया था, उस दिन मैंने डिटेल में समझाया था, यहाँ पर सिर्फ एक अपडेट की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेल में नहीं समझा पाएंगे क्यों, लेकिन मैंने अभी सितंबर की मैंने सिर्फ 5 ही वीडियोस बनाई है ना, शायद 1st या 2nd सितंबर को मैंने समझाया था। इसको डिटेल में जानना वो प्लेलिस्ट में खोल के उसका इंडेक्स चेक कर लो, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो आरबीआई जो है वो जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस होता है कमर्शियल बैंक्स के थ्रू करता है, डायरेक्टली पब्लिक से डील नहीं करता। फिर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC क्या है? टू काउंटर द करप्शन और स्पीड अप डिसीजन मिलिट्री प्रोक्योरमेंट के अंदर, प्रोक्योरमेंट में मतलब होता है ऑब्टेन करना, एक्वायर करना। मिलिट्री प्रोक्योरमेंट मतलब डिफेंस के जो वेपन्स वगैरह होते हैं इनको एक्वायर करने के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2001 में डिसाइड किया था कि एक इंटीग्रेटेड डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बनाएंगे, जिसको डिफेंस मिनिस्टर हेड करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये इंश्योर करेगा कि जो भी प्रोक्योरमेंट करना है, जो रिक्वायरमेंट्स अप्रूव हो चुकी हैं आर्म फोर्सेस के लिए, उसका एक्सपेडिशियस प्रोक्योरमेंट हो, यानी कि जल्दी जल्दी उनको एक प्रोक्योर किया जाए। तो DAC का काम होता है पॉलिसी गाइडलाइंस बनाना, ठीक है, इन एक्विजिशंस के लिए, ताकि और जो लॉन्ग टर्म के प्रोक्योरमेंट प्लान्स होते हैं उनके लिए पॉलिसी गाइडलाइंस बनाना। इसके अलावा कुछ भी इंपोर्ट वगैरह का करना होता है, इंडिजिनसली क्या प्रोड्यूस करना होता है फॉरेन लाइसेंस के अंदर, इन सब की क्लियरेंस वगैरह देने का काम, ये सब DAC के अंडर होता है। नवरोज क्या है? एक 3000 ईयर ओल्ड ज़ोरास्ट्रियन ट्रेडिशन है, एक रिचुअल सेलिब्रेशन है, जो कि पर्शियन न्यू ईयर के स्टार्टिंग में, स्प्रिंग के स्टार्टिंग में मनाया जाता है। 1079 AD में जो ईरानियन किंग थे जिनका नाम था जलालुद्दीन मलिक शाह, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था नवरोज। न्यू ईयर फेस्टिवल होता है जहाँ पर वो जनरेट करते थे रिवेन्यू और टैक्स कलेक्ट करते थे लोगों से। पारसी कम्युनिटी जो लोग ज़ोरास्ट्रियनिज्म को फॉलो करते हैं, वो नवरोज़ को इंडिया में खूब खुशी से मनाते हैं। अब पारसी कम्युनिटी के रिगार्डिंग आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली 2-3 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं, जियो पारसी स्कीम पढ़ ली है, नवरोज़ पढ़ लिया है। कोरम क्या होता है? कोई भी जो मतलब मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं ना, मिनिमम मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है एक हाउस में या फिर कमेटी में बैठने के लिए, ताकि जो भी पर्टिकुलर आपको प्रोसीडिंग्स करनी है उनको वैलिडिटली कर सके, उनका ट्रांजेक्शन अच्छे से हो सके। तो जब हम बात करते हैं एक हाउस की, तो वहाँ 1/10 होता है, ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 100 क्लॉज 3 में मेंशन है। पॉलिटी का टॉपिक है, बिल्कुल पता होना चाहिए बेसिक से आपको। डिवोनियन पीरियड क्या है? ये एंशियंट का है और बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं। एक जियोलॉजिकल पीरियड है और सिस्टम है पैलियोज़ोइक का, जो कि स्पैन करता है कुछ 60 मिलियन ईयर्स, जब से सिलूरियन का एंड हुआ था विच वाज 419.2 मिलियन ईयर्स अगो, और बिगिनिंग हुई थी कार्बोनीफेरस की, यानी कि 358.9 मिलियन ईयर्स अगो। इसका नाम डिवॉन है क्योंकि इंग्लैंड के अंदर इसके रॉक्स पहली बार स्टडी किए गए थे, इसलिए वहाँ से इसका नाम डिवॉन निकला था। पहला सिग्निफिकेंट अडेप्टिव रेडिएशन ऑफ लाइफ ऑन ड्राई लैंड डिवोनियन पीरियड में देखा गया था। फ्री स्पोरिंग वेस्कुलर प्लांट्स, उनका स्प्रेड होना लैंड के ऊपर स्टार्ट हुआ था इस पीरियड के अंदर, जहाँ से एक्सटेंसिव फॉरेस्ट की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी कॉन्टिनेंट्स को फिल करने के लिए। इस पीरियड के एंड तक सीड बियरिंग प्लांट्स अपीयर हो गए थे, बहुत सारे टेरिस्ट्रियल आर्थ्रोपॉड्स वो भी वेल एस्टेब्लिश हो गए थे। आर्थ्रोपॉड्स होते हैं ये एक इनवर्टिब्रेट एनिमल होता है जिनका एक्सोस्केलेटन होता है, सेगमेंटेड बॉडी होती है ये। आई थिंक दिस मच इज इनफ फॉर दिस टॉपिक टू नो, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल है, एंशिएंट का इतना ज़्यादा है, ऐसा कुछ खास इससे बनेगा नहीं आपका टॉपिक। 61 करिसा कॉपिली एक डिस्टेंट कज़न है मल्टी यूटिलिटी वाइल्ड बेरी का, इसके मेडिसिनल और यूटिलिटेरियन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। अब ये एक रिवर के नाम के पीछे है, जो कि सेंट्रल असम की रिवर है कॉपिली रिवर, उसी के पीछे इसका नाम पड़ा है। फिलहाल उसी रिवर के कारण इसको थोड़ा सा थ्रेट है, वहाँ पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है
उस रिवर के ऊपर, जिसके कारण जो वाटर है वो एसिडिक हो गया है क्योंकि मेघालय के अपस्ट्रीम के अंदर कुछ कोल माइनिंग हो रही है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सन लविंग है, यानी कि ज़्यादा धूप पसंद करता है ये पौधा, बहुत ही स्पार्शली लोकेटेड है, और दैट मच इज़ इनफ, इतना ही जानना है इसके बारे में। प्लेसेस इन न्यूज़ के अंदर आएगा हमारा ऋषिकुल्य रुकरी कोस्ट, एक जो गहीरमाथा मेरीन सेंचुरी है। अब गहीरमाथा मेरीन सेंचुरी बहुत बार न्यूज़ में रहती हैगी, और ऋषिकुल्य रुकरी कोस्ट ये गंजम डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि ऑलिव रेडली जो टर्टल होता है उसकी नेस्टिंग साइट्स है उड़ीसा के अंदर, मेन नेस्टिंग साइट्स हैं। इन साइट्स में जो गहीरमाथा है मेरीन सेंचुरी है, लार्जेस्ट रुकरी है, रुकरी बोलते हैं मास नेस्टिंग साइट्स को, जहाँ पर लार्ज अमाउंट के अंदर कोई पर्टिकुलर स्पीशीज नेस्टिंग करती है ऑलिव रेडली टर्टल्स की। ऑलिव रेडली IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल है। प्लेसेस इन न्यूज़ में रीयूनियन आइलैंड, इंडिया और फ्रांस पहली बार अपनी एक जॉइंट पेट्रोलिंग की है रीयूनियन आइलैंड से। पेट्रोलिंग मतलब समझते हैं ना, पुलिस वाले निकलते हैं ना पेट्रोलिंग के लिए, जहाँ मतलब थोड़ा सा निगरानी रखने के लिए निकलते हैं ये। इंडिया ने अभी तक कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स किए हैं ओनली सिर्फ मैरिटाइम नेबर्स के साथ, और सिमिलर ऑफर था US के साथ, उसको रिजेक्ट कर दिया था। रीयूनियन एक ओवरसीज डिपार्टमेंट है, रीजन है फ्रेंच रिपब्लिक का, एक आइलैंड है इंडियन ओशन के अंदर ईस्ट ऑफ मेडागास्कर में, जो कि मॉरिशियस से 175 किलोमीटर साउथ वेस्ट में है। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो ये फ्रांस है ना, फ्रांस के मैक्सिमम टाइम जोन्स हैं। अगर आप ग्लोबल वर्ल्ड को देखते हो तो आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, आपको मालूम होगा भी रशिया का एरिया बहुत बड़ा है, उसके मुताबिक रशिया में सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स होने चाहिए, लेकिन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स फ्रांस के हैं, क्योंकि इनके छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स में आएंगे। एडजर्नमेंट क्या होता है, प्रोरोगेशन क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा क्या होता है? एडजर्नमेंट का सिंपल सा मतलब होता है जो हाउस की सिटिंग होती है उसको टर्मिनेट कर देना, लेकिन जो कुछ समय बाद मिलेंगी नेक्स्ट सिटिंग के अंदर। तो एक एडजर्नमेंट सिग्निफाई करता है एक ब्रीफ ब्रेक दे देना सिटिंग की हाउस को, लेकिन वो सेम डे ही दोबारा से मिलेंगे, एक पर्टिकुलर सेशन में ब्रेक दे देना। प्रोरोगेशन का मतलब होता है एक सेशन को टर्मिनेट कर देना, एक ऑर्डर आता है प्रेसिडेंट के द्वारा जिसमें जो कि आर्टिकल 85 क्लोज 2 के अंदर मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के। यूजुअली प्रोरोगेशन फॉलो किया जाता है एडजर्नमेंट जो सिटिंग ऑफ हाउस होता है ना, सिनेडाई का मतलब होता है कि आप एक कोई फिक्स डेट या टाइम नहीं बताते हो, ठीक है। एडजर्नमेंट में तो आपने टाइम बता दिया सेम डे के अंदर ही, लेकिन सिनेडाई मतलब हो गया कि अब आप उसने प्रोरोगेशन के अंदर आपने टाइम नहीं बताया कि कब मिलेगा। तो तीन तरीके से हमारा जो हाउस है उसको ब्रेक दिया जाता है। तीसरा होता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब तो होता ही सिंपल, आपको पता है कि गवर्नमेंट की पावर खत्म हो चुकी है, गवर्नमेंट डिसॉल्व हो चुकी है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, ये प्रेसिडेंट का ऑर्डर होता है आर्टिकल 85 क्लोज 2 के अंदर ही। तो या फिर ये तो 5 साल का पूरा पीरियड हो जाएगा तो उसका एक्सपायरेशन हो जाएगा, ठीक है, ये भी मेथड होता है। यक्षगण, तो मोर देन 900 यक्षगण स्क्रिप्ट्स, जिसमें से एक प्रिंटेड है 1905 से 1907 की, इनको डिजिटाइज कर दिया गया है। अब ये ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल होंगी, एक वॉलेंट्री एक कम्युनिटी थी, ठीक है, उन्होंने ये पूरा का पूरा प्रोसेस किया है। यक्षगण एक ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है कर्नाटका की, एक टेंपल आर्ट फॉर्म है जहाँ पर माइथोलॉजिकल स्टोरीज और पुराणास को वो डिपिक्ट करते हैं। बहुत सारे मैसिव हेडगियर पहनते हैं, फेशियल मेकअप करते हैं, वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, ऑर्नामेंट्स पहनते हैं। यूजुअली ये कन्नड़ लैंग्वेज में रिसाइट की जाती है, प्लस में इसे परफॉर्म किया जाता है मलयालम और तुल्लू में भी। तुल्लू साउथ कर्नाटका की एक डायलैक्ट है। डायलैक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि कन्नड़ लैंग्वेज तो वहाँ की मेन लैंग्वेज हो गई, अब कन्नड़ में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा तो वो डायलैक्ट कहा जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं हरियाणा यूपी की, तो यहाँ पर वैसे तो भाषा यहाँ पर हिंदी चलती है, हिंदी में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आता है हर पर्टिकुलर रीजन के अंदर, थोड़ा थोड़ा जाएंगे आप तो वेरिएशन आएगा लैंग्वेज, उसको डायलैक्ट बोला जाता है। इसे परफॉर्म किया जाता है कुछ परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, जैसे कि चेंडा, मड्डलम, जगत, चेंगिला सिंबल्स होते हैं, चक्रताल और एलाथलम, ये स्मॉल सिंबल्स होते हैं, इन सब की हेल्प से इसे परफॉर्म किया जाता है। परोल क्या होता है, परोल एक सिस्टम होता है जहाँ पर आप एक प्रिजनर का कंडीशनल रिलीज करते हो उसके सेंटेंस के सस्पेंशन के साथ। अब ये रिलीज कंडीशनल होता है, यूजुअली उसके अंदर एक पीरियोडिक रिपोर्टिंग करनी होती है उसको, अथॉरिटीज़ को एक पीरियड ऑफ टाइम सेट कर देते हैं कि जो क्रिमिनल वगैरह था उसको एक टाइम पर्टिकुलर टाइम पे आते रहने के बाद उसको रिपोर्टिंग करते रहना है। अब ये फरलो से डिफरेंट कैसे होते हैं, एक फरलो होता है एक परोल होता है। फरलो दिया जाता है जब आपको एक लॉन्ग टर्म इम्प्रिजेंट मिलता है,
तो फर्लो एक तरीके का मैटर ऑफ राइट होता है, आपका हक होता है जो आपको पीरियोडिकली दिया जा सकता है। फर्लो साल में सिर्फ 3 बार दिया जा सकता है, जैसे कि एक बार संजय दत्त को एक टाइम पर दिया गया था, उनकी मेडिकल हेल्थ के इश्यूज थे, ठीक है, और क्या फिर एक मिनिस्टर थे उनको दिया गया था, आई थिंक अजय चौटाला थे कोई, उनके मदर की डेथ हुई थी या कुछ हुआ था। तो फर्लो आपका एक राइट होता है ताकि आपको जो जेल वगैरह का जो प्रिजन का जो इल इफेक्ट्स है उससे बचाने के लिए, आपका सोशल वर्ल्ड के साथ कनेक्शन ख़त्म ना हो, तो इसलिए आपको बीच बीच में कुछ टाइम के लिए कंडीशंस के ऊपर ही छोड़ते रहना दिया जाता है। ग्रांट कौन करता है परोल और फर्लो? ये आते हैं हमारे प्रिजन एक्ट 1894 के अंदर। अब प्रिजन जो है एक स्टेट का सब्जेक्ट होता है, और जो प्रिजन एक्ट है पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट का, वो डिफाइन करेगा रूल्स जिसके अंडर परोल आपको ग्रांट की जाएगी। परोल को ग्रांट करने के लिए जो पावर होती है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव के पास होती है। अगर परोल रिजेक्ट हो जाती है, वो जो कन्विक्ट है, जो दोषी है, वो हाई कोर्ट जा सकता है, उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑर्डर को चैलेंज भी कर सकता है। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम रेगुलर परोल, जो सुपरिटेंडेंट होता है जेल का, वो एक ग्रांट कर सकता है एक परोल अप टू 7 डेज एमरजेंट केसेस के अंदर। न्यूज़ में क्यों था? सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला है कि कुछ ऐसे जो कन्विक्ट्स वगैरह हैं जिनको 7 साल तक का जेल टर्म मिला है, जेल का टर्म मिला हुआ है, सज़ा मिली हुई है, उनको परोल दे दी जाए ताकि प्रिजन्स के अंदर जो डीकंजेशन यानी कि ज़्यादा भीड़ है उसको कम कर दिया जाए, क्योंकि उस समय पर कोरोना वायरस का आउटब्रेक बढ़ता जा रहा था, आउटब्रेक हो रहा था। 67 में हिंदू न्यू कैलेंडर के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम होते हैं, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टॉपिक, नाम याद होने चाहिए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उगड़ी बोलते हैं, कर्नाटका में युगाड़ी और उगड़ी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, सिंधीज में चेटी चांद, मणिपुरीज में साजीबू चेयोराबो चेराओबुआ, हिंदूज ऑफ बाली और इंडोनेशिया भी इसको सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ पर ही नेपी नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे फेस्टिवल्स के नाम और ये सेलिब्रेशन के नाम आते हैं, ये प्रिलिम्स के लिए है पूरा का पूरा टॉपिक। हंता वायरस, यूनान प्रोविंस है जो चाइना का, वहाँ पर कुछ हंता वायरस के केसेस देखने को मिले थे। हंता वायरस एक फैमिली होती है वायरसेस की, जो मेनली रोडेंट्स के द्वारा फैलाई जाती है, यानी कि चूहे हो गए, खरगोश टाइप की जो रोडेंट चीज़ें होती हैं ना, उनके द्वारा एक पर्सन इन्फेक्ट हो सकता है अगर वो किसी एक रोडेंट जिसके पास ये वायरस हो उसके कनेक्ट उस पर उसके कॉन्टैक्ट में आएगा। तो ये अभी तक अनक्लियर है कि इसका फिर ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिशन है पॉसिबल या नहीं। देखो, एनिमल से ह्यूमन के बीच में जो ट्रांसमिशन होता है ना, उसको जिस डिजीज़ का होता है उस डिज़ीज़ को बोलते हैं जूनोटिक डिजीज़। तो एक इंसान जो इन्फेक्ट होता है इस वायरस के साथ, वो उसको सिम्टम शो करेगा पहले 1 to 8 वीक में, जब भी वो किसी कोई एक्सपोज हुआ था कुछ फ्रेश यूरिन का, फीकस का, फिर इन्फेक्टेड रोडेंट के सलाइवा का। सिम्टम्स में क्या होंगे? फटीग, थकावट, मसल एक, हेडेक, चिल्स, एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स। 4 to 10 आर बीइंग इन्फेक्टेड, लेट सिम्टम्स ऑफ HPS मे स्टार्ट टू अपीयर, जिसमें कफिंग भी हो सकती है और ब्रेथ की शॉर्टनेस भी। HPS होता है हमारा हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल क्या है? NCDC एक इंस्टीट्यूट है अंडर डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। पहले इसका नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज था, अब इसको डिजीज कंट्रोल कर दिया गया, यानी कि CD, पहले CD था, अब DC कर दिया गया है, थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया गया। अब इस इंस्टीट्यूट का काम होता है कि जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं उनके ऊपर रिसर्च करना, ठीक है ना। इसके बहुत सारे सैंक्शंस होते हैं, लेबोरेटरीज होते हैं जो इन सारे डिजीज़ के ऊपर काम करते हैं। पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। अब ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसका अपना एक ऑटोनोमस स्टेटस भी है। अब रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या होती है, ऑटोनोमस स्टेटस क्या होती है, आपको मालूम होगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग ये फैक्ट फॉर प्रीलिम्स पढ़ रहे हो, तो आपने मंथली कंपाइलेशन पढ़ी होंगी, और ये इनडेफिनेट टाइम्स ये वर्ड्स रिपीट होते हैं। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर 1819 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, उस समय था ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोसिव्स, बाद में थोड़ा सा और सारी एक्टिविटीज़ के लिए भी एक्सपेंड हो गया था। न्यूज़ में क्यों था? पेट्रोलियम और एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ मेजर्स लिए थे, कुछ प्रॉब्लम्स जो फेस की जा रही थी पेट्रोलियम, एक्सप्लोजिव, ऑक्सीजन और इंडस्ट्रियल गैस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। अब ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, वो PESO इसकी फुल फॉर्म बनती है, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और उसमें ये 4 एक्ट्स होते हैं, एक्सप्लोजिव एक्ट, पेट्रोलियम एक्ट, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस एक्ट,
और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, कोई ज़रूरत नहीं मुझे बताने की, आपको सबको पता है NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए बनाई जा रही है ग्रेजुएशन के, मतलब एंट्रेंस वगैरह के, कोई पॉइंट नहीं बताने का हाँ, क्योंकि बहुत ही कॉमन है, ठीक है। कंटोनमेंट बोर्ड क्या होता है? कंटोनमेंट बोर्ड एक बॉडी होती है, ठीक है ना, कॉरपोरेट अंडर कंटोनमेंट्स एक्ट 2006 की। इसका एक अपना परपेचुअल सक्सेशन होता है एज़ पर एक्ट सेक्शन 10 क्लोज 2 ऑफ द एक्ट। हर एक कंटोनमेंट बोर्ड को डीम्ड टू बी ए म्यूनसिपैलिटी, यानी कि माना जाता है कि वो एक म्यूनसिपैलिटी है अंडर क्लोज ई ऑफ आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको ग्रांट्स मिलते हैं, एलोकेशंस मिलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम जो होती है सोशल सेक्टर की, पब्लिक हेल्थ की, वो सब भी इंप्लीमेंट की जाती हैंगी। एडमिनिस्टर कौन करता है? जो ओवरऑल म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन होता है इन कैंट एरियाज़ का, वो कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आता है, जो कि डेमोक्रेटिक बॉडी है, यानी कि वहाँ पर इलेक्शन होते हैं उस बॉडी के अंदर। अब एक कंटोनमेंट में और मिलिट्री स्टेशन में डिफरेंस क्या होता है? कंटोनमेंट जो होते हैं मिलिट्री स्टेशन से थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना, कि मिलिट्री स्टेशन होते हैं तो प्योरली वहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस के जो ऑफिसर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, उन सब का अकोमोडेशन होता है, ठीक है, और ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इस्टेब्लिश होते हैं। हालांकि जो कंटोनमेंट्स होते हैं यहाँ पर मिलिट्री और सिविल दोनों तरह की पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। फोर्स मेजोर क्या है? इंडियन रेलवेज ने डिसाइड किया है कि 22 मार्च 2020 से लेकर 14 अप्रैल 2020 तक फोर्स मेजोर ट्रीट किया जाएगा। फोर्स मेजोर का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स और सरकमस्टांसेस जो ह्यूमन बींग्स के कंट्रोल के बियॉन्ड हैं, एक ऐसा इवेंट जिसको आप एक्ट ऑफ गॉड डिस्क्राइब कर सकते हो। तो इस पीरियड के अंदर कोई नो डिमरेज, वारफेज, स्टैकिंग, स्टेबलिंग, डिटेंशन एंड ग्राउंड यूजेज चार्जेस शेल बी लेवेबल, इस तरह का कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि एक्ट ऑफ गॉड है, यानी कि एक अकाल्पनिक आपदा हो गई है जिसके ह्यूमन बींग के कोई इंटरवेंशन नहीं थी इसके अंदर। अभी रिसेंटली जो हमारा GDP का जो ग्रोथ जो बिल्कुल जरा नीचे देखने को मिला था, डाउन देखने को मिला था, स्टेट्स ने डिमांड की थी सेंटर से कि GST का कंपनसेशन दिया जाए, तो गवर्नमेंट ने भी कहा कि ये एक फोर्स मेजोर है, एक्ट ऑफ गॉड है, इसलिए आप लोगों को कंपनसेशन देना थोड़ा सा मुश्किल है। ऑसिफिकेशन टेस्ट क्या होता है? सिंपल भाषा में बता देता हूँ, पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बोन की टेस्टिंग होती है, ठीक है, किस तरीके से बोन डेवलप हुई है, उसमें ये पता कर लिया जाता है कि आपकी बोन किस एज तक डेवलप हुई, उससे आपकी एज का एक आइडिया लग जाता है, एज को डिटरमाइन करने के लिए होता है। जनरली कन्विक्ट्स वगैरह जो होते हैं, किसी के ऊपर कोई क्लेम वगैरह चार्ज वगैरह होता है, उनकी एज वगैरह का कंफर्म करनी हो, कोई जुवेनाइल तो नहीं है, स्पेशली कुछ रेप केसेस वगैरह के अंदर, तो चेक करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। अपने आप में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट तो ये मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी इसका यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया था, रफ आइडिया ले लो, इसका काफ़ी रहेगा। ISRC क्या है? इंडियन साइंटिस्ट का रिस्पॉन्स टू COVID-19। एक वॉलेंट्री ग्रुप है ISRC, जो साइंटिस्ट का ग्रुप है, जो रेगुलरली डिस्कस करते हैं ये जो रैपिडली इवॉल्विंग सिचुएशन है और साइंस कम्युनिकेशन की इसमें क्या रिक्वायरमेंट है। कुछ 200 के आसपास मेंबर्स हैं इसमें, साइंटिस्ट हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट से, NCB, IISC, TIFR, IIT, IESR और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के साइंटिस्ट हैं। ग्रुप का एम है जो भी एग्जिस्टिंग और अवेलेबल डेटा है उसको स्टडी करना, उसमें सेंट्रल की, स्टेट की, लोकल गवर्नमेंट की सपोर्ट लेना अपने पर्टिकुलर टास्क को कैरी आउट करने के लिए। इस प्लेटफॉर्म के जो काम करने के तरीके हैं वो 2 चैनल से होते हैं, फ़ोन और व्हाट्सएप से कनेक्ट करते हैं लोगों से और उनकी हेल्प भी करते हैं। अर्रेनाम एक ट्राइबल लॉकडाउन का रिचुअल है जो कि अरुणाचल प्रदेश में ऑब्जर्व किया जाता है। अब गैलो इक्विवेलेंट ऑफ लॉकडाउन है, ठीक है, यानी कि गैलो जो ट्राइब है ना, वो ट्राइब जो लॉकडाउन लगाती है उसी के इक्विवेलेंट, उसी को अर्रेनाम बोलते हैं। इम्पोज बाय द कंसेंसस फॉर 48 आवर्स व्हेनेवर एन एपिडेमिक स्ट्राइक्स, जब भी कोई एपिडेमिक होता है तो 48 घंटे के अंदर कंसेंसस मतलब सहमति के साथ इसको इम्पोज कर दिया जाता है। फिलहाल इसको मतलब जबकि न्यूज़ है, मार्च की न्यूज़ है, तो मार्च में इसको COVID-19 के स्प्रेड के तहत इम्पोज किया गया था। लास्ट इसको परफॉर्म किया गया था इससे पहले 40 साल पहले, जब एक वाटर बोर्न डिजीज़ ने उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को इफेक्ट किया था। जो आदि कम्युनिटी है जो कि ईस्ट सियांग में
और लोअर दिबांग वैली के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर जो इनहेबिटेंट्स रहेंगे वहाँ पर भी परफॉर्म किया जाता है एक सिमिलर का इसी टाइप का एक रिचुअल जो कि बोलते हैं मोटोर, ठीक है ना। और वो बिलीव करते हैं लेट द शमन्स विद द लेजेंडरी पावर्स टू लोकेट द वाइल्ड हर्ब्स टू कॉम्बैट एन एपिडेमिक। शमन्स क्या होते हैं ये? शमन बेसिकली एक, अगर कोई एक मंदिर की बात करो या फिर कोई एक वर्शिप की प्लेस जिसको भी डीटी को आप पूछते हो उसका कोई प्रीस्ट टाइप का, जैसे अगर आप हिंदुज़्म की बात करते हो तो मंदिर का कोई पुजारी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी हो उनका कोई मान्यता हो कि भाई इस मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है तो उस मंदिर का कोई पुजारी होगा तो उसको एक लैंग्वेज में शमन बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे जो अगर हम बात करें जो जूइज़म की बात करते हैं जुडाइज़म की बात करते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो उनका वो सिनोगॉग होता है ना जहाँ पर उनका जो मेजर जो वर्शिप प्लेस होती है वहाँ पर होते हैं शमन्स बेसिकली, जो उसकी सारी अथॉरिटी वगैरह होती है उनके पास। तो इस कम्युनिटी के अंदर जो आदि कम्युनिटी है इस पर्टिकुलर रीजन की उनका भी एक रिचुअल है जहाँ पर लॉकडाउन होता है तो उसको मोटोर बोलते हैं। जो गालू कम्युनिटी है उसमें वो अर रिनाम बोलते हैं इसको। और ये मोटोर वाले सिचुएशन के अंदर ये लोग क्या करते हैं कि अपनी कम्युनिटी के जो शमन्स होते हैं ना वो कहते हैं कि इनके पास पावर है, ये हमको बताएंगे कि कौन सी हर्ब है जो यानी कि कौन सी जड़ी बूटी है जिससे इस एपिडेमिक को ट्रीट किया जा सकता है। सॉलिडेरिटी ट्रायल WHO ने अनाउंस किया था, लार्ज ग्लोबल ट्रायल, इसको सॉलिडेरिटी नाम दिया गया है। ये न्यूज़ ख़त्म हो चुकी है, इसका कोई पॉइंट नहीं पड़ने का। ऑपरेशन नमस्ते भी आपको पता था इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था कोरोना वायरस के लिए, ये भी ख़त्म हो चुकी है। मो ज़िबान क्या है? एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा ये लोगों को घर में रखने के लिए कोरोना वायरस का, ये भी ख़त्म। तो न्यूज़ ख़त्म हो चुकी है, इसका कोई पॉइंट नहीं है, वो मैं आपको नहीं बता रहा इसलिए। हाँ, ये थोड़ा सा शायद काम आ जाए आपके। आइडियाथॉन फाइट कोरोना करके 2 डेज़ का ऑनलाइन इवेंट था, इसे HRD द्वारा लॉन्च किया गया था ताकि इसका फोकस था कि कुछ रीयूजेबल और वॉशेबल मास्क वगैरह को डेवलप किया जाए, ऐसे सिस्टम्स जो कि करेंसी नोट्स वगैरह को डिसइंफेक्ट कर सकें, नॉन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक किट्स स्टोरेज किट्स वगैरह बनाई जाएँ टेस्ट सैंपल्स के लिए। ऑल्दो ये भी ख़त्म हो चुका है लेकिन एक नाम आपको याद होना चाहिए, हिमालयन आइबेक्स क्या होता है? अब ये एक चीज़ है आपको थोड़ी सी जाननी पड़ेगी। रिसेंट स्टडी की गई थी जो कि साइंटिस्ट हमारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, उन्होंने प्रूव किया कि जो हिमालयन आइबेक्स है ये एक डिस्टिंक्ट स्पीशीज़ है, ठीक है ना, साइबेरियन आइबेक्स की। ये ट्रांस हिमालयन रेंजेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश के। इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है स्पीसीज़ की रिकॉग्निशन की इंडियन आइबेक्स की उसको ध्यान में रखते हुए जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक प्रोजेक्ट को फंड किया था थ्रू नेशनल मिशन ऑफ द हिमालयन स्टडीज़ जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था। यहाँ पर कुछ फील्ड सर्वेज हुए थे, फीकल के सैंपल्स लिए गए थे, ठीक है ना, लाहौल और स्पीति से हिमाचल प्रदेश के। तो उस सर्वे में कुछ की फाइंडिंग्स थी, उसमें ये था कि जो लेटेस्ट जेनेटिक एनालिसिस किया गया था ना, पहला एविडेंस जो क्लेम करता है कि ये जो हिमालयन आइबेक्स हैं ये जेनेटिकली डिफरेंट हैं बाकी जो साइबेरियन आइबेक्स हैं उसके साथ, रिजल्ट जो थे जेनेटिक एनालिसिस के बहुत सरप्राइजिंगली रिवील करते हैं कि आईटी क्लैड जो कि साइबेरियन आइबेक्स है ये टू हैव डाइवर्ज फ्रॉम द अल्पाइन आइबेक्स ड्यूरिंग प्लेस्टोसीन इपोच, यानी कि 2.4 मिलियन ईयर अगो से अभी तक इसके अंदर एक डाइवर्जेंस देखने को मिला था। देन द साइबेरियन आइबेक्स जो कि मायोसीन प्लायोसीन बाउंड्री में है के रेंज में, यानी कि 6.6 मिलियन ईयर्स अगो। अभी नाम तुमको याद नहीं रहेंगे, ठीक है ना, तुमको ये सब की फाइंडिंग्स याद रहेंगी, तुमको साइबेरियन आइबेक्स के बारे में जानना होगा। अभी क्या है, एक वाइल्ड गोट होती है, ठीक है, ठीक है, ये डाइवर्स हैबिटेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, कोल्ड डेजर्ट में, रॉकी आउटक्रॉप में, स्टीप टेरेन के अंदर, माउंटेन रीजन में, ये तुम्हारे काम का है। साइबेरियन आइबेक्स एक पॉलीटाइप की स्पीशीज़ पॉलीटाइपिक स्पीशीज़ हैं जो कि 3 या 4 सब स्पीशीज़ के वगैरह के लंपिंग के कारण फॉर्म होती है। IUCN सिटस लीस्ट कंसर्न में है। डिस्ट्रीब्यूशन मंगोलिया में, एशिया में, इंडिया के अंदर ट्रांस हिमालयन रीजन्स में मिलेगी, लद्दाख की यमुन और जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरीज़ में, रिवर सतलुज के ऊपर हिमाचल प्रदेश में मिलेगी। ये जानने वाला पॉइंट था, ये सर्वे में क्या कर रहे हैं क्या हमें कुछ कोई काम नहीं आने वाला है। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर सेक्शन 8 एंजॉइन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि एक कॉन्स्टिट्यूट की जाए एक नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हेल्प करेगी। होम सेक्रेटरी इसके चेयरपर्सन होंगे, एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि उनको इसलिए अलाउड किया गया क्योंकि उनके पास अपनी एक पर्टिकुलर जॉब है, रैंक है, पोजीशन है। जैसे वाइस प्रेसिडेंट जो है
वो एक एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ठीक है। तो वो एक्स ऑफिशियो मतलब उनके पास एक वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है, काफ़ी रिलायबल पोस्ट है, इसलिए उनको एक एक्स्ट्रा ऑफिस दे दिया हम लोगों ने। कंपोजिशन हो गया, चीफ होंगे जो हमारे इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, वो भी एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। फंक्शन क्या होगा एनईसी का, अंडर द सेक्शन ऑफ दिस एक्ट इनको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना है पूरे कंट्री के लिए, ठीक है, रिव्यू करना है और अपडेट करना है एनुअली। एक्सरसाइज रेड फ्लैग जो कि पोस्टपोन हो चुकी है, ठीक है, एक मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज रेड फ्लैग जो कि अप्रैल 30 से अलास्का में शेड्यूल्ड थी, इसमें इंडियन एयरफोर्स को भी पार्ट लेना था जिसमें सुखोई 30 फाइटर जेट्स था। एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2 वीक की एडवांस एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है, सिर्फ वही कंट्रीज जो US के साथ फ्रेंडली हैं वो इसमें पार्ट ले सकती हैं। PM केयर्स फंड क्या है, प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था एक रिलीफ के लिए, एक जब पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, ठीक है ना, कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगी कॉरपोरेट्स के द्वारा भी, उनको सोशल वेलफेयर स्पेंडिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। एमरजेंसी सिचुएशन फंड है और प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होंगे, इसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर भी होंगे। ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है, तो ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और ये आपसे मेंस में भी पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स में आ जाएगा क्या ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, ऐसा कुछ करके आएगा टॉपिक। कम्युनिटी रिजर्व्स क्या होते हैं, कंजर्वेशन रिजर्व्स होते हैं और कम्युनिटी रिजर्व्स इंडिया में ये प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, ठीक है ना, बेसिकली एक बफर जोन होता है जहाँ पर एक माइग्रेशन कॉरिडोर होता है एस्टेब्लिश नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रिजर्व प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया का। ऐसे एरिया को हम लोग डेजिग्नेट करते हैं कि कंजर्वेशन एरियाज, क्योंकि अगर ये अनइनहैबिटेटेड हैं और कम्प्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन किए जाते हैं बट यूज़ किए जाते हैं सब्सिस्टेंस के द्वारा, यानी कि वहाँ पर जो कम्युनिटीज़ वगैरह रह रही हैं अपना गुजारा करने के लिए अगर इन जगह को यूज़ करती होती हैं। तो ये जो प्रोटेक्टेड एरिया की कैटेगरी है ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुए थे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, जो कि हमारा जो हम लोगों ने अमेंडमेंट किया था WPA का 1972 में, इन कैटेगरीज को ऐड किया गया था क्योंकि बिकॉज ऑफ द रिड्यूस प्रोटेक्शन इन एंड अराउंड द एग्जिस्टिंग और द प्रपोज प्रोटेक्टेड एरियाज, क्योंकि इनके आसपास में बहुत सारा प्राइवेट ओनरशिप हो रहा था लैंड का, लैंड यूज़ का, जिसके कारण डर था कि उनका एक्सटेंशन ना हो और इलीगल इनक्रोचमेंट ना हो जाए, इसलिए उनको कम्युनिटी रिजर्व्स के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया था। IPC का सेक्शन 269 और 270 क्या है, ये इन्वोक किए गए हैं उन लोगों के खिलाफ जो मेलेंटली कोई भी ऐसा काम करते हैं इन्फेक्शन को स्प्रेड करने के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये ऊपर नीचे हुए ना ऐसी चीज़ें, ये डायनेमिक कभी डायनेमिक कभी डायनेमिक है, तो ऐसी नहीं, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल दो सेक्शन 269 क्या होता है और 270 क्या होता है देख लो, सेक्शन 269 के अंदर आप नेग्लिजेंट होते हो सॉरी यानी कि आप असावधानिक रूप से किसी भी तरीके का एक थ्रेट कॉज करते हो किसी दूसरे की लाइफ को, ठीक है। 270 के अंदर होता है मैलिग्नेंट एक्ट, यानी कि आप बेसिकली कोई भी इंटेंशनली आप कुछ मेलाइन करते हो, कुछ नुकसानदायक काम करते हो किसी के साथ में, तो दोनों के अंदर ही आपको जेल हो सकती हैगी, ठीक है ना। 269 में आपको 6 महीने की जेल हो सकती हैगी, 270 के अंदर आपको 2 साल तक की जेल हो सकती है, फाइन भी हो सकता है दोनों के अंदर। 270 के अंदर वर्ड मैलिग्नेंटली को इंडिकेट करता है एक डेलिबरेट इंटेंशन, यानी कि आपकी मंशा थी, आप चाहते थे ज़बरदस्ती उस काम को ऐसा करना। तो इंडियन पेनल कोड के 2 एक्ट्स हैं, आपको याद आइडिया होना चाहिए, इतना खास याद करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर ऑल ऑफ दोज हु वॉन्ट्स टू नो अबाउट द टेलीग्राम चैनल, आप टेलीग्राम को ओपन करो, उसके सर्च बार में जाओ, सर्च बार में जाकर लिखना UPSC मंथली कंपाइलेशंस, आपको ये चैनल मिलेगा, ये आपको डिस्प्ले पिक्चर मिल जाएगी। चैनल का पूरा नाम है UPSC मंथली कंपाइलेशंस एक्सप्लेन्ड, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो ये इसी चैनल का, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो इसका लिंक भी मिल जाएगा, तो यहाँ से आप इस टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट कर सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच।